गुड मॉर्निंग एरवान चलिए दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी सीए फाइनल की एसएफएम की एएफएम की न्यू बैचेस और इससे पहले कि हम ये सारी चीजें पढ़ें एसएफएम के बारे में पढ़ें एएफएम के बारे में पढ़ें लेट अस इंट्रोड्यूस ईच अदर लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ आई एम प्रवीण खटोड़ एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई बिकेम सी इन ईयर टू सो इट्स बिन एटीन ईयर सिंस आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड आफ्टर बिकमिंग चार्ट अकाउंटेंट i was actually confused that what should i do in my life should i go for practice should i go for job or should i go for teaching i decided that i should go for job then i worked in infosys at bangalore and then i moved to mumbai there i worked for a financial services company and then i moved to america there i worked for two and a half a year and uh, in year 2010, I came back to India, and since then, I am into the teaching field. So, I am teaching multiple subjects at CA final and at CA intermediate level. At CA final level, I teach two subjects one is SFM, AFM, and another is strategic cost management and performance evaluation. Again, at CA intermediate level, I teach two subjects one is costing, and another is FM economics. We have recently started our CFA classes as well. Okay, so uh, that was all about me. Now, let me ask you some certain questions. Uh, I'm pretty sure that many of you have already studied from me at CA Intermediate Level Costing FM Economics. Some of you have already studied. Okay. So let me ask certain questions from you. Uh, when is your attempt due? Is it in year 2023 or 24 or 25? So uh, how many of you have attempted in year 2023? No one. Okay, few people. OK. And how many of you have attempted in 2024? Most of you. And anybody who has his attempt due in 2025? ओके दट ग्रेट ओके सो द रीजन फॉर आस्किंग द दटेम्प्ट इज वेरी सिंपल बिकॉज जैसे ही कोई स्टूडेंट सीए फाइनल में कदम रखता है तो वो सबसे पहला सब्जेक्ट यूजुअली एसएफएम एफ ही करता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या ए ही करता है हालांकि आपके पास दो चॉइसेस होती हैं या तो आप एफ कर लें या फिर आप एस एफ कर लें वैसे एस एफ ज्यादा बेहतर चॉइस है खास करके उन लोगों को समझाना आसान है जिन्होंने ऑलरेडी एफ कर चुका है आपको पता होगा एफ के अंदर कितना सारा प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आज की तारीख में आ चुका है डेरेवेटिवस की अकाउंटिंग उसके अंदर आ चुकी है तो वो सारी चीज़ें पहले हम एस में समझ लेते हैं कि डरेवेटिवस क्या होते हैं प्रेजेंट वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है और फिर एफ समझना आसान होता है खास मकसद मेरा पूछने का पता है क्या रहता है अटेम्प्ट क्योंकि यूजुअली जब भी आप एसएफएम की बैच करते हैं उससे एटलीस्ट वन एंड हाफ ईयर या फिर एटलीस्ट टू ईयर बाद आपका अटेम्प्ट ड्यू होता है क्या होता है दोस्तों जब आप क्लास अभी करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आती है लेकिन लिखा हुआ ही साथ जाता है यानी अगर आज से एक साल बाद आपने रिवीजन करने के लिए किताब उठाई अपनी कॉपी उठाई आपने राइट और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने क्लास में बताई है आपको समझाई आपको समझ में भी आई है लेकिन एक साल बाद जब आप कॉपी खोलेंगे तो सिर्फ वो चीजें आपको याद रहेंगी रिवाइज कर पाएंगे जो आपने कॉपी में लिखे हुए हैं राइट सीए फाउंडेशन में या सी ए इंटरमीडियट में ऐसा नहीं होता था वहां जब हम पढ़ते थे उसके विद इन सिक्स मंथ्स हमारा अटेम्प्ट ड्यू हो जाता था सिक्स मंथ्स नाइन मंथ्स में राइट right? तो हमारी मेमोरी में उतनी सारी चीजें रहती थी लेकिन अभी सी ए फाइनल में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट होता है बैच आप आज करते हो और आपका अटेम्प्ट ड्यू आज से दो साल बाद होता है तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है क्लास में जितनी भी सारी चीजें समझाई जाए वो आपको सारी की सारी नोट डाउन प्रॉपरली करनी है खैर क्योंकि मुझे ये बात पहले से ही पता है इसलिए मैं मेरी तरफ से जितनी सारी चीजें बोलता हूं वो मैं सारी की सारी आपको डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन आप समझते हो डॉक्यूमेंट करवा देता हूं ताकि वो चीजें आपकी ब्रशअप होती रहे एक और फैसिलिटी है बाय चांस अगर आप नोट नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं यूट्यूब पर रिविजन वीडियोज अवेलेबल रहते तो वहां से भी चीजें रिवाइज हो जाती है दूसरी चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको कि एफ एम इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट लेवल पर एग्जामिशन आई थी काफी टैलेंट है ओके अच्छा कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कि एफ एम इकोनॉमिक्स से डर लगता था कि बस ये निकल जाए अरे कोई भी डरा हुआ नहीं एफ से ओके चलिए तो दोस्तों मेरे पूछने का मकसद ये रहता है अगर आपको एफ में में आई है यानी कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग हो जाएगा सी फाइनल लेवल पर लेकिन मेरे जो पढ़ाने का अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा यह मानते हुए कि आपने सी इंटरमीडिएट में एफ ही नहीं पढ़ाए यानी मैं आपको एक सी फाउंडेशन का स्टूडेंट मानकर सी फाइनल का एस पढ़ाने वाला हूँ which means मैं भूल जाऊंगा कि आपने कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है मैं भूल जाऊंगा कि आपने कभी लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ा है और ये सारी चीजें जहां-जहां हमारे सिलेबस में आएंगी वो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा खैर अगर मैं मान भी लूंगा ना कि आपने इंटरमीडिएट में लीवरेज पढ़ रखा है और अभी मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या थे फार्मूलास फाइनेंशियल लीवरेज के सर थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि हमने कुछ भी इंटरमीडिएट के एफएम के लेवल पर नहीं पढ़ा हुआ है राइट तो बेसिक से सारी चीजें होंगी राइट देखो सब डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं बहुत टैलेंटेड रहता है कोई नहीं भी रहता है राइट तो हम सभी को एक कॉमन बैकग्राउंड पर लेकर आएंगे और फिर उड़ान भरेंगे राइट कितने स्टूडेंट्स हैं आप में से जिन्होंने ये सोच रखा है कि सी फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लेकर आनी है ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया रैंक ग्रेट ऑल इंडिया रैंक अगर आपने सी ए फाइनल लेवल पर स्कोर कर ली तो आपकी लाइफ बहुत अलग होगी वर्सेज अगर आपने ऑल इंडिया रैंक स्कोर नहीं करी और मुझे समझाने की जरूरत नहीं आप भी जानते हैं एक नॉन ए आई आर का जो पैकेज लगता है उसमें और एक ऑल इंडिया रैंकर के पैकेज में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है डे वन से और ये गैप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही जाता है एक नॉर्मल चार्टेड अकाउंटेंट का पैकेज लगता है टेन लैक्स ट्वेल्व लैक्स ट्वेल्व लैक्स मान लू मैं ओके ट्वेल्व लैक्स के बाद प्रोग्रेस कैसे होती है ट्वेल्व लैक्स लैक्स सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी थर्टी फाइव ऑल इंडिया रैंकर के पैकेज की शुरुआत ही कहाँ से होती है 25 प्लस से नाउ इट क्वी थी थर्टी चार्टेंट बनकर अगले पांच साल, साल में पहुंचेंगे ना बी से नॉर्मल यू अकाउंटेंट इफ यू स्कोर ऑल इंडिया रैंक तो अगर मैं आपकी जगह हूं ना मैं पता है आज ही एक कसम खा लूंगा अपने आप से एक वादा कर लूंगा प्रवीण क्यों ना दो साल मेहनत कर ले अगर मैंने दो साल मेहनत कर ली तो मैं जिंदगी में सात साल आगे हो जाऊंगा डजेंट इट मेक सेंस मैं वापस से आपसे सवाल पूछ रहा हूं आप में से कितने स्टूडेंट से जो ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं दोस्तों ऑल इंडिया रैंक वन को टारगेट कीजिए जब आप ऑल इंडिया रैंक वन को टारगेट करेंगे ना तो आपके पढ़ने का अप्रोच ही अलग होगा एक नॉर्मल स्टूडेंट वर्सेस वो स्टूडेंट जो दिमाग में ये ख्याल लिए बैठा है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक वन लानी उसके पढ़ने का अप्रोच ही अलग होगा वो सारी चीजों को डिटेल में समझना चाहेगा क्योंकि ऑल इंडिया रैंक वन लानी देन यू में नहीं होनी चाहिए मैं मेरी तरफ से हंड्रेड परसेंट देने को तैयार हूं क्या आप हंड्रेड परसेंट आपकी तरफ से देने को तैयार हैं क्या आप हंड्रेड परसेंट देने को तैयार हैं ओके okay. तो दोस्तों इसी जज्बे के साथ हम यहां पर हमारी बैच की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको एस एफ एम का सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा देता हूं हालांकि मैं समझ रहा हूं कि आप स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट्स हैं क्योंकि आपके जो अटैम्प्टे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में है और आपके ऊपर एस एफ एम ए एफ एम में चेंजेस की काली घटा छाई हुई है कि क्या होगा इन सारी चीजों को भी हम एड्रेस करेंगे लेकिन पहले हम यहां पर शुरुआत करते हैं देखते हैं आखिर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है मैं आपको समझाऊं कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले लें कुछ लोगों से एस में 94, 94, ओ माय गॉड एस एफ एम में दोस्तों नाइन्टी प्लस मार्क्स लाना बहुत आसान है मतलब इतना आसान नहीं है बट आसान है एक प्रतिज्ञा तो आप कर लीजिए कि एस एफ एम ऐसा पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे कि नाइन्टी प्लस ही लेकर आएंगे एस एफ एम ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है पूरे सीए फाइनल में पूरे सीए फाइनल में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जा सकता है कि हा, हाँ यहां पर मैं कुछ कर पाऊंगा ये कॉन्फिडेंस एफ आर में नहीं आता ये कॉन्फिडेंस ऑडिट में नहीं आता ऑडिट में कौन बोलेगा कि मैं 90 प्लस लेकर आऊंगा ऑडिट में 90 आप तो जानते हैं कि सीए इंटरमीडिएट में कैसे ऑडिट का पेपर बस निकल जाता है फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी पर राइट दोस्तों ऑडिट में नहीं आते डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं आते हैं नाइनटी प्लस एफ में बहुत मुश्किल है इम्पॉसिबल तो नहीं बट बहुत मुश्किल है एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास जिसमें हम नाइनटी प्लस ला सकते और ये एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट बन सकता है जो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स की कमी एग्रीगेट की जो कमी होती है वो पूरी कर सकता है तो इस सब्जेक्ट को तो जी जान लगाकर पढ़ना बहुत जरूरी है ये हमारा मैन ऑफ द मैच रहेगा यानी कि मैन ऑफ द मैच यार मैच जीतने के लिए हमें एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि सेंचुरी स्कोर कर दे और ये वही बैट्समैन है तो इसको आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सारी डिटेल में सारी गहराइयों में पढ़ना है राइट दोस्तों ये थे हमारे टॉपर्स ये है हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स और ये हूं मैं हम्म दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझाऊं आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सुन ही रखा है वॉट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है मतलब ये वर्ड सुनते ही मैं आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप क्या समझते दुनिया में क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या ख्याल आता है आपके दिमाग में जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लीज टेल मी ओके सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक तो आपने जो इंटरमीडिएट वाली डेफिनेशन बता दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ to मैक्सिमाइज वेल्थ राइट तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है राइट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का अगर आपने मुझसे इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है तो मैंने आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया होगा अभी भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जब हम एफएम एम पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द डिफरेंस इज सिंपल व्हाट्सएप व्हाट्सएप दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी है व्हाट्सएप कभी एडवर्टीजमेंट दिखाता है कभी आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस लेता है व्हाट्सएप का जो रेवेन्यू साइड है वो क्या है जीरो लेकिन एक्सपेंसेस लगते हैं यस yes, बहुत बड़ा डेटा सेंटर लगता है एनालिस्ट लगते, है, लगते हैं उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगते हैं राइट तो उनका एक्सपेंसेस साइड है विच मीन्स व्हाट्सएप इज इनटू लॉसेस यस लेकिन व्हाट्सएप ने लॉसेस कर करके कर करके -कर -कर अपने आप का जाल इतना फैला लिया कि आज मैं जानता हूँ कि आप सभी के सेल में व्हाट्सएप है और सिर्फ आप सभी के नहीं इंडिया में जितने सारे लोग हैं मोर देन सेवेंटी परसेंट जो कि टेलीफोन यूज करते हैं जो कि मोबाइल फोन यूज करते हैं उनके सेल फोन में व्हाट्सएप है इनफैक्ट जब हम नया सेल फोन खरीदते हैं तो कुछ सिलेक्टेड फ्यू एप्लीकेशन जो हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं उसमें शुमार है व्हाट्सएप ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं ऐसा दुनिया भर में है और व्हाट्सएप ने अपना जाल इतना फैला लिया कि फेसबुक नाम की कंपनी को मजबूर होकर व्हाट्सएप को खरीदना पड़ा नाइनटीन बिलियन डॉलर्स में

अगर फाइव हंड्रेड पर ईयर व्हाट्सएप लेना शुरू कर देगा क्या हमारे सेलफोन में व्हाट्सएप रहेगा नहीं सिंपल हम उसको डिलीट करके दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे वी माइट मूव टू टेलीग्राम हम जाएंगे तो वी चैट पर चले जाएंगे देर आर हेल्ड ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल राइट तो दोस्तों अगर व्हाट्सएप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करता तो उसके इतने करोड़ों सब्सक्राइबर्स ही नहीं होते और नहीं होते तो क्या फेसबुक व्हाट्सएप को खरीदने जाता इतनी बड़ी इतनी मोटी रकम देकर नहीं राइट right? तो क्या आप डिफरेंस समझते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में दोनों में से कौन सा नैरो ऑब्जेक्टिव और कौन सा वाइडर ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ वाइडर ऑब्जेक्टिव ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और हमारा भी लाइफ में जो मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी शॉर्ट टर्म पर ना फोकस करते हुए हमें लॉन्ग टर्म पर फोकस करना चाहिए और दोस्तों यही कहलाता है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब दोस्तों स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं सबसे पहले आपके सामने सिलेबस यहाँ पर रख रहा हूँ सिलेबस uh, में मैं आपके सामने एक्चुअली ए का सिलेबस रख रहा हूँ आपको ये क्लैरिटी मैं दे दूँ कि अभी आई ने एफ का नया सिलेबस नोटिफाई नहीं किया है लेकिन जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है वो ये है कि जो एस का सिलेबस है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ए में Plus, there are certain additions, जिसको अगर मैं quantify करूं तो राइट वींस right? कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एस एफ एम है वो तो एज इट इज जा रहा है इनफैक्ट मैं आपको क्लैरिटी दूं तो जब मैंने खुद ने सी ए करा था यानी जब मैंने क्लासेस करी थी जब मैं सी ए फाइनल में था टू थाउजेंड थ्री में तब भी जो टॉपिक्स थे ना 2003 में वो आज 2023 में वही टॉपिक है तो दोस्तों वो, वो इतने समय से चले आ रहे और वो बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स है फाइनेंशियल so मैनेजमेंट के वो आप कल्पना कर सकते हो कभी चेंज हो सकते हैं आप इंटरमीडिएट लेवल पर बताइए अगर लेवरेज चैप्टर है तो क्या ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे है, तो के is, का पढ़ेंगे। और की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर कौन सा टॉपिक एड हो रहा है वो भी मैंने यहां पर एड कर लिया है राइट right? दो चीजें होंगी इस बैच को पढ़ते पढ़ते अगर नया सिलेबस आ गया तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं इसी बैच में ही सब कुछ कवर हो जाएगा बाय चांस कि हमारी बैच खत्म हो गई लेकिन उनका इंतज़ार करते हुए हम थक गए और अभी तक नया सिलेबस नहीं आया तो तो हमारा डिसीजन और ही सही है उनका इंतज़ार हम कब तक करेंगे तो बेहतर है कि हम अभी जो चीज़ प्रेजेंटली अवेलेबल है वो हम पढ़ लें और अगर बैच खत्म होने बैच खत्म होने से पहले आ गए अमेंडमेंट्स तो हम हाथों हाथ कवर कर लेंगे बाद में आए तो फिर वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे राइट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ऐसे कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है जो एग्जिस्टिंग चीजें है उसमें कुछ कुछ लेटेस्ट चीजें और एड कर दी गई हैं राइट तो मैं जब आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये चीजें भी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर और एडिशनल है जो कि हमें पढ़नी रहेगी राइट ओके दोस्तों जो सी फाइनल का सिलेबस है ना स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो बहुत समझदारी से आईसीए ने डिजाइन कर रखा है यानी ऐसा सिलेबस डिजाइन किया है जो कि आपके जॉब के साथ भी और जॉब के बाद भी यानी जॉब के साथ जॉब फ्लोर पर भी आपको जो टॉपिक्स लगने वाले हैं वो यहां पर हैं और जॉब फ्लोर के बाद आपकी लाइफ में, में जो लगने वाले हैं, वो भी हमारे सिलेबस में पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड भी, भी टॉपिक है आप डेफिनेटली जानना चाह रहे हैं कि सर आखिर कौन से टॉपिक्स हैं जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमें पढ़ने होंगे और कौन से हैं जो हमें

एक नई ऊंचाई पर होता है दोस्तों हम भगवान के मंदिर गए प्रार्थनाएं करी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की कहीं से खबर लगी हमने डरे सहमे हाथों से अपना रिजल्ट एक्सेस किया किसी ऐसे व्यक्ति को बोला हम नहीं ओपन कर रहे हमारा रिजल्ट किसी ऐसे व्यक्ति को बोला जिसका कि ज़्यादा गुड लक है तो हमने उसको बोला कि प्लीज़ आप ओपन करें रिजल्ट और उन्होंने रिजल्ट ओपन किया एंड वी हैव बिकम अ चार्ट अकाउंट सी ए प्रफिक्स जो हम चाहते थे हमारे नाम के आगे लगे वो अब लग चुका सी ए प्रफिक्स जैसे ही लगा हमने हंगामा मचा दिया दुनिया भर में हमने ये अनाउंसमेंट कर दिया इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप स्टेटस सारी चारों ओर हमारी ख्याति फैल गई सी ए बनने के बाद जिस दिन हम सीए बनते बहुत खुशी होती है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जिस दिन सीए बने ठीक है अब नेक्स्ट डे जब आप उठते हो तो अब एक नई टेंशन शुरू होती है और वो नई टेंशन पता ही क्या नाउ वॉट नेक्स्ट अब जॉब कहाँ लगेगी इंटरव्यू कैसा जाएगा कितने का पैकेज लगेगा एंड सो ऑन राइट दोस्तों आपने जॉब के लिए अप्लाई करा कैंपस के थ्रू अप्लाई करा आपने आउटसाइड सोर्सेज के थ्रू अप्लाई करा लिंगड पर आपने अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल प्रोफाइल बनाया कनेक्शन के थ्रू आपको एक कॉल आया और ये कॉल आया है आपको एक फॉरेन की कंपनी से जो कि इंडिया में अपने ऑपरेशंस इस्टेब्लिश करना चाहती है ये जो फॉरेन की कंपनी है दोस्तों इनके तीन वर्टिकल्स हैं यानी तीन बिजनेसेस में काम करते हैं एक तो ये कुछ एफएमसीजी गुड्स बनाते हैं दूसरा ये परफ्यूम्स सेंट ये सारी चीज बनाते हैं कॉलोजिन और तीसरा ये लोग शूज लेदर शूज ये लोग बनाते हैं राइट उन्होंने अपना इंडिया में ऑपरेशन डालने का बात कही और उनका जो अभी तक सोच थी वो ये थी कि हम चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और उन्होंने देखा कि ये जो चाइना है यहाँ पर तो कभी भी लॉकडाउन लग जाता है बहुत समय तक और हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्ट हो जाता है तो हमें ऐसी सेकेंड रिलायबल लोकेशन चाहिए जहां पर हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और उन्होंने देखा कि वो लोकेशन है इंडिया

जॉब में पहला दिन है जो फॉरेन में बैठे हुए आपके मैनेजर्स हैं अब वो आपको कॉल कर रहे हैं वीडियो कॉल चल रहा है और वीडियो कॉल में उन्होंने आपसे एक बात पूछी मिस्टर सी वी वॉन्ट टू स्टार्ट अवर ऑपरेशन एंड वी आर यू नो इन थ्री वर्टिकल्स द फर्स्ट वन इज एफएमसीजी, एम द सेकेंड वन इज परफ्यूम्स एंड कॉलेज एंड थर्ड इज मैनुफैक्चरिंग ऑफ लेदर शूज शेल वी स्टार्ट ऑल थ्री वर्टिकल्स इन इंडिया एट द सेम टाइम और शेल बी गो स्टेप बाई स्टेप एंड स्टार्ट विथ वन ऑफ द वर्टिकल्स क्या होगा आपका जवाब तीनों वर्टिकल्स एक साथ शुरू कर दे इंडिया में या फिर एक एक करके बताइए अगर आपका बीस लाख का जॉब है ना तो बीस लाख का सवाल रहा आपके सामने हाँ जी ऑब्वियसली हमें क्या बोलना चाहिए वी शुड गो स्टेप बाय इतनी भी क्या जल्दी राइट right? हो सकता है हम तीनों एक साथ वर्टिकल लॉन्च करने गए और कोई फेलियर हो गया राइट right? क्योंकि इंडियन सीनारियो कुड भी डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सीनारियो राइट तो क्योंकि इंडियन सीनारियो डिफरेंट हो सकता है इसलिए वी शुड स्टार्ट विथ One of the verticals. They said, okay, we were also thinking about the same thing, starting with one of the verticals. They said, our strongest vertical is manufacturing of leather shoes. We leather shoes, strongest vertical. So, we want to set up a manufacturing plant in India for manufacturing of leather shoes, and then we have to uh, develop our distribution channel so this responsibility comes on your shoulders. you have to decide about two things. one is, where shall we locate our manufacturing plant? we have heard there are a lot of uh, uh, manufacturing locations in india. for example, there is noida, there is pithampur, right? so there are so many locations, jampur, giam, manufacturing facilities, and second thing is, after manufacturing, how should we distribute our products?

पहला तो क्या मैन्युफैक्चरिंग कहां करेंगे और दूसरा क्या डिस्ट्रीब्यूशन आखिर कैसे करेंगे ओके दे टोल्ड यू सी वी डोंट वांट एन इंस्टेंट आंसर फ्रॉम योर वीडियो कॉल वी वांट यू टू डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड गेट बैक टू अस इन नेक्स्ट थ्री डेज कॉल कट चलो क्या करेंगे हम मुंबई में बैठे हैं आप और आपको बताना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज का प्लांट आखिर कहाँ लगा है बीस लाख की नौकरी लगी है आपकी बताइए अब आप क्या करेंगे रिसर्च में अब आप क्या करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशंस फाइंड आउट करेंगे आ, क्या क्या चीजें मतलब आप बताइए ना क्या क्या चीजें देखेंगे भैया बीस लाख रुपए का सवाल है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर देखेंगे कि किस लोकेशन पर हमें अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ईजीली मिल जाएगी और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर के साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मेटेरियल भी काउंट कर लूँ मैं क्योंकि रॉ मेटेरियल के सोर्सेज के जितने नजदीक हम होंगे उतना सस्ते में हमें मिलेगा राइट right? उतना फटाफट -फ़्ट हमें मिल जाएगा सप्लाई चेन वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मेटेरियल एंड लेबर देखेंगे और बताइए गवर्नमेंट पॉलिसीज क्योंकि स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफर कर सकती है हो सकता है कि अभी कोई गवर्नमेंट हो सपोज करो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही तो फिर डेफिनेटली वहां जाना और उनकी सब्सिडीज पॉलिसीज का बेनिफिट लेना यानी सरल शब्दों में आप कहना चाह रहे हैं कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कौन सा स्टेट हमारी लोकेशन हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा और बताइए दोस्तों कनेक्टिविटी देखेंगे लॉजिस्टिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि लॉजिस्टिकल सपोर्ट अगर अच्छा हुआ तो चीजें टू एंड फ्रो फटाफट जाएंगी और हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम होंगे और बताइए दोस्तों बहुत अच्छे पॉइंट्स आप बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर यस लैंड की कॉस्ट भी हमें देखनी पड़ेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए भी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड और फिर वो कहाँ सस्ती पड़ रही वो भी हमें देखनी पड़ेगी अगर आपने मुंबई में देखी जमीन तो डेफिनेटली महंगी पड़ेगी और क्योंकि वो महंगी पड़ेगी यानी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही इतना बड़ा हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं पर हिट होगी और यही अगर आपने सस्ती लोकेशन पर जाकर मै देखो शूज़ तो वही मैन्युफैक्चर होंगे जो आपने मैंने शूज़ पहन रखे मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ बने वो मुंबई में बने हैं या फिर किसी रूरल एरिया में बने हैं वॉट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट राइट एंड वी हैव टू प्रोड्यूस दैट क्वालिटी एट द चीपेस्ट पॉसिबल कॉस्ट राइट तो हम डेफिनेटली लाइन की प्राइसेस देखेंगे बहुत बढ़िया पॉइंट और बताइए बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है यानी इसको मैं ऐसा समझता हूँ कि ये तो सर ये बात हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर आसानी से हो जाएगी बट मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब हम डिस्पैच करने लगेंगे तो सर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हम इंडिया से मैन्युफैक्चर करके सर इंडिया में डोमेस्टिकली सेल करेंगे या फिर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करने वाले देन वॉट मेक सेंस कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन जो पोर्ट्स वाले एरिया है जैसे गुजरात में पोर्ट्स है मुंबई में पोर्ट्स हैं वहाँ पर हो तो काम क्विकली हो जाएगा राइट right? यानी आप समझ रहे हैं कि अब ये जो सारा काम है जो आपने मुझे पॉइंट्स लिखवाए हैं इनको रियल में एग्जीक्यूट करने में इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम आपको काफी सारी रिसर्च करनी पड़ेगी काफी सारे कॉन्टैक्ट के थ्रू डेटा निकालना पड़ेगा खूब सारा डेटा आपने निकाल लिया बट अब आपको डेटा को एनालाइज करना है सपोज करें कि आपने तीन लोकेशन सॉल्ट कर ली वन इज मुंबई कि मुंबई में ही प्लांट लगा ले

क्वालिटेटिव फैक्टर्स और दूसरे हैं हमें एनालाइज करने पड़ेंगे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स यानी कहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है कहाँ पर जमीन हमें सस्ती मिल रही है दोस्तों ये जो मैं सारी बात आपसे कर रहा हूं ना ऐसा कुछ आप शायद सी इंटरमीडिएट लेवल पर पहले ही करते हुए आए हो हालांकि इतना डिटेल में नहीं लेकिन कुछ ऐसा कुछ आपने सीए इंटरमीडिएट लेवल पर किया हुआ है कि अगर हमें फैक्ट्री या फिर प्लांट लगानी और उसकी हमारे पास दो लोकेशंस हैं एक है रूरल लोकेशन है ना एक ऐसा क्वेश्चन ही किया हुआ है आपने कि अगर हम रूरल एरिया में प्लांट सेटअप करेंगे तो हमें सब्सिडी मिलेगी ऐसा कुछ आपने कौन सा था वो चैप्टर दोस्तों कैपिटल बजटिंग राइट दोस्तों तो यहां पर कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बजटिंग एंड एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग ओके कैपिटल बजटिंग और एडवांस कैपिटल बजटिंग में आखिर क्या फर्क है जब आपने इंटरमीडिएट लेवल पर कैपिटल बजटिंग पढ़ा था ना तो आपने इन्फ्लेशन को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था मतलब बेसिकली आपने देखा था कि एक प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है दैट्स इट प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ऑफ मैनुफैक्चरिंग इतनी है दैट्स इट लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ मैनुफैक्चरिंग कभी कॉन्स्टेंट रही है सेलिंग प्राइस कभी कॉन्स्टेंट रही है नहीं तो आपको इन्फ्लेशन को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा राइट right? और इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं कैपिटल बजटिंग में जैसे कॉन्सेप्ट होता है जो एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग में है वो है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल क्या बोल दिया मैंने ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल आप समझते हैं ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल का मीनिंग ये है कि अगर कंपनी ने एक मशीन खरीदी और मशीन को हम चाहें तो 15 इयर्स तक खींच सकते हैं बिल्कुल आप इसको ऐसे समझे कि अगर आपने एक गाड़ी खरीदी आपने एक टू व्हीलर खरीदा है तो आप कितने साल उसको चला सकते हैं 15 साल बीस साल भी चला सकते हैं लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसमें रिपेयर की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती कि देन इट मेक सेंस टू रिप्लेस द मशीन तो आखिर क्या होनी चाहिए ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल आपने कभी नहीं सुना भी नहीं होगा इंटरमीडिएट लेवल पर वो सारी चीजें दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे आपने दोस्तों तीन दिन बाद वीडियो कॉल कनेक्ट किया अपने फॉरेन के जो आपके मैनेजर से उनको और आपने इन तीनों लोकेशन का कैपिटल बजटिंग टेक्निक लगाकर एनालिसिस किया जिसमें आपने देखा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा लोकेशन पर मुंबई में कितना जाएगा पीथमपुर में कितना जाएगा नोएडा पर कितना कितना रेवेन्यू फ्लो होगा कितनी कितनी कॉस्ट लगेगी क्योंकि ये सारी चीजें डिफर करेंगी और फाइनली आपने एक नंबर कैलकुलेट कर दिया क्या करते थे हम कैपिटल बजटिंग में कैलकुलेट एनपीवी uh, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी एक डिटेल्ड एक्सेल शीट एनालिसिस बनाकर एंड अस से यू हैव सिलेक्टेड वन लोकेशन आपने नोएडा लोकेशन आपने सेलेक्ट कर ली आपने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया क्वालिटेटिव फैक्टर्स रखे उस प्रेजेंटेशन में क्वांटिटेटिव फैक्टर्स यानी कि पूरा कैपिटल बजटिंग प्रपोजल का एनालिसिस किया फॉरन में जो आपके मैनेजर्स बैठे हुए हैं उन्होंने भी इन सारी चीजों को समझा टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन हुआ और एक लोकेशन फाइनलाइज हो गई नोएडा लोकेशन नोएडा लोकेशन पर अब आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लिया अब दोस्तों नोएडा लोकेशन पर जब आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लिया आपने देखा कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले तो अब हमें काफ़ी सारा फंड रेज़ करना पड़ेगा सपोज़ करें वन थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट है फंड रेज़ करने के क्या क्या तरीके हैं आपके पास आप चाहें तो इंडिया से फ़ंड रेज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो फॉरेन से फ़ंड रेज़ कर सकते हैं अब फॉरेन से फंड जब हम रेज़ करेंगे तो एक्सचेंज रेट भी पिक्चर में आएगा फॉरेन की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अलग होगी इंडिया की डोमेस्टिकली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अलग होगी ये सारी चीजें दोस्तों हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में एंड दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने वर्किंग कैपिटल तो पढ़ा होगा उसका इंटरनेशनलाइज वर्जन हम यहां पर पढ़ेंगे आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पढ़ा होगा उसका इंटरनेशनलाइज वर्जन हम यहां पर पढ़ेंगे कहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट राइट दोस्तों आपने नोएडा की फैक्ट्री लगा दी 1000 करोड़ रुपीस रेस करे इट टुक वन ईयर एक साल में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनकर तैयार हुआ प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ आपने डोमेस्टिकली उसे सेल करना स्टार्ट कर दिया और डोमेस्टिकली हमारे प्रोडक्ट का जब हमने फीडबैक लिया कस्टमर से तो बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन हुआ वापिस से फॉरेन जो आपके मैनेजर से वहां से कॉल आया मिस्टर सी अब हमें जब हमने डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर कर लिया है तो हम चाह रहे हैं कि हम हमारी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस बंद करें और उसका भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हम इंडिया में डाइवर्ट कर दें लेकिन मिस्टर सी ए जब हम इंडिया में अब इतना सारा प्रोडक्शन करेंगे तो हम उसे डोमेस्टिकली भी सेल करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे आर देयर एनी रिस्क यू विल से यस जो रूटीन रिस्क होती है वो तो है ही है और इसी के साथ साथ क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन से रिलेटेड रिस्क भी होती हैं फॉरेन करेंसी से रिलेटेड फ्लक्चुएशन की जो रिस्क है ना वो इंडिया में तो फिर भी उतनी फील नहीं होती क्योंकि इंडियन रुपी फिर भी एक बहुत स्टेबल करेंसी है लेकिन हमारे पड़ोसी को ही देख लो पाकिस्तानी रुपया हमारे एक और पड़ोसी को देख ले श्रीलंकन रुपया राइट मतलब उनकी करेंसी तो अचानक से इतनी वोलेटाइल हो गई आप समझ रहे हो कैसे एकदम बिजनेस के डायनामिक्स करेंसी के मूवमेंट चेंज हो जाते हैं अब आप ऐसा सोचो कि हमने इंडिया से एक्सपोर्ट किया हंड्रेड मिलियन डॉलर का जब हमने एक्सपोर्ट किया तब रेट है डॉलर वन इज इक्वल टू एटी फाइव लेकिन डेफिनेटली हमें एक्सपोर्ट करते वक्त क्रेडिट टर्म्स एक्सटेंड करनी पड़ेगी क्योंकि अब हमारी कंपटीशन भी इंटरनेशनल है हमारी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी कंपटीशन है और इंडोनेशिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी हमारी कंपटीशन है तो हमें क्रेडिट टर्म्स एक्सटेंड करनी पड़ेगी वी एक्सटेंडेड फोर मंथ्स क्रेडिट टर्म्स चार महीने में क्या बदल सकता है क्या नहीं बदल सकता है चार महीने में हो सकता है कि इंडिया चाइना बॉर्डर में कुछ टेंशन हो जाए और जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होने लगते हैं ना आपकी करेंसी वोलेटाइल क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एकदम से डगमगा जाता है और अचानक से डॉलर का फ्लो बढ़ जाता है अब आप सोचो कि अगर डॉलर का फ्लो इधर से उधर होने लग गया तो फिर करेंसी फ्लक्चुएट होने लगेगी अब ये करेंसी खुदा ने खासता डॉलर 1 तो 85 की जगह डॉलर 1 70 पर आ गई पॉसिबल है, है नहीं पहली बात तो डॉलर वन इज इक्वल टू एटी फाइव की जगह बाय चांस डॉलर वन इज इक्वल टू सेवेंटी पर आ गई तो हो सकता है कि वो जो हंड्रेड मिलियन डॉलर्स आपको मिलने वाले हैं वो जब मिलने वाले थे तब आपने अपना मार्जिन थोड़ा सा ही जोड़ा था और 85 के हिसाब से आपने देखा था कि चलो मुझे इतना मिल जाएगा इंडियन रुपीज में आई विल सर्वाइव लेकिन जब आपको रियलाइजेशन होगा उन प्रोसीड्स का तो हो सकता है कि 70 के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो जो मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम हो सकता है एंड यू माइट बी इनटू लॉसेस एंड यू माइट बी हैविंग आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर थिंक ऑफ अ बैंक थिंक ऑफ अ कंपनी हु हैज बोरोड फंड्स फ्रॉम फॉरेन या फिर इन्वेस्टमेंट कर रखा है फॉरेन में तो बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक और चीज आनी चाहिए हाउ टू मैनेज हाउ टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक मिनट hmm. सी ए क्यों नहीं आएगी तो किसको आएगी डॉक्टर साहब इंजीनियर आर्ट्स एम ए बी ए बी कॉम तो किसको आना चाहिए राइट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें आना चाहिए कि आखिर फॉरेन करेंसी एक्सपोजर का रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए वो भी दोस्तों हमारे सिलेबस में शुमार है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट अच्छा ये मैं सिर्फ सैंपल दे रहा हूं कि क्या है उस चैप्टर में सिर्फ ये नहीं है बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करके पैसा कैसे कमाना फॉरेन करेंसी के रेट्स अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं क्या उनमें डिस्पैरिटी आ गई है यानी कोई मौका है पैसा कमाने का कि इधर से खरीद लिया उधर बेच जाए सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती है राइट मैं जस्ट आपको एक सैंपल दे रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों फॉरन में हम फॉरन में हमने एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर दिया और एज ए चार्ट अकाउंटेंट हमारे रिस्क मैनेजमेंट भी आता है तो फिर हमें कोई टेंशन माथे पर सल नहीं कि अचानक से करेंसी क्ट हो गई तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा आपने अपने आपके एक्सपोजर को प्रोटेक्ट कर रखा है वो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं उसके लिए कुछ हेजिंग टूल्स होते हैं वो हम यहां पर समझेंगे ओके दोस्तों अब आपको एक्सपेंशन करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपका एक्सपोर्ट का, का काम बहुत अच्छा चल रहा है नोएडा में आपने एक प्लांट लगा रखा है और अब आपको उसको कैपेसिटी को डबल करना है और डबल करने के लिए अगेन आपको फंड्स बोरो करने पड़ेंगे यस yes. अभी इंटरेस्ट रेट का सिनारियो आप तो खैर अभी बहुत सही समय पर आपने बैच ज्वाइन करिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में आइए कुछ साल पहले यानी ईयर 2020 की बात कर लें या ईयर 2021 की बात कर लें कॉस्ट ऑफ़ फंड्स बहुत कम थी आपको ही पता होगा जो बैंक की एफडी वो मुश्किल से फाइव टू सिक्स परसेंट इंटरेस्ट ही दे रही थी तब अचानक से आरबीआई और जितनी सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर रखी थी ये मौका था पैसा उठाने का पैसा उठा लो क्योंकि सस्ते में मिल रहा है लेकिन आपको उस वक्त थोड़ी ना पता था कि अचानक से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है ना तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर हिट आता है यस यस और नो खास करके ऐसे बिजनेस जो कैपिटल इंटेंसिव हैं क्योंकि बहुत बड़ी कैपिटल लगा लगा रखी रखी है 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 और और बोरो करके अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी भी बढ़ती है, 2 भी बढ़ती है, तो एक बहुत बड़ा हिट हमारे इनकम स्टेटमेंट में पड़ता है और अच्छी अच्छी कंपनीज नेट प्रॉफिट से नेट लॉस में चली जाती है तो एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आपको एक और चीज आनी चाहिए वो होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलते हैं मैंने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट यानी कल को अगर हमने कहीं से फंड्स बोरो कर रखे हैं और इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज भी होने वाली है तो भी हम पर आच नहीं आए हम इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड रिस्क को मैनेज कर ले अब अगेन इसे मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं है ना वो उतना सिंपल नहीं जितना सिंपल अभी आप सोच रहे हैं। आप पता है क्या सोच रहे आप ये सोच रहे हैं, सर फंड रेज करते करते वक्त हम फिक्स कॉस्ट पर फंड रेज कर लेंगे फिर चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए हमने क्या करना लेकिन उस वक्त थोड़े ही ना पता था कि इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से बढ़ने वाली है पर जैसे ही न्यू इंफॉर्मेशन आए तो यू हैव टू बी क्विक कि अब मैं अपने एक्सपोजर को किस तरीके से मैनेज करूं यानी हमारे पास ऐसे जादुई टूल्स हैं यहां पर कि हमने अगर फ्लोटिंग रेट्स पर लोन ले रखे ना तो बिना उसके साथ डील करे जिससे लोन लिया है जिससे लोन लिया उससे कैसे लिया हमने फ्लोटिंग रेट पर पर बिना उससे डील किए हम इस फ्लोटिंग रेट के एक्सपोजर को फिक्स रेट एक्सपोजर में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि आप बैंक गए बैंक से आपने होम लोन निकाला बैंक से आपने होम लोन निकाला फ्लोटिंग रेट पर और अब बिना बैंक से कुछ करें आपने बाहर बाजार में कुछ ऐसा किया कि अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरा तो एक्सपोजर फिक्स रेट में कन्वर्ट हो गया ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों ये होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट दैट क्लियर हमारी कंपनी ने खूब तरक्की कर ली हमारे लेदर शूज चलने लग गए देखकर दोस्तों जो दूसरी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी जैसे बाटा हुआ रिलैक्सो हुआ एंड सो ऑन इन्होंने भी अपने एक्सपेंशन प्लान शुरू कर दिए अब कॉम्पिटिटिव सिनारी बहुत टफ हो गया कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गई कॉम्पिटिशन जब टफ होती तो सेलिंग प्राइस हर कोई क्रैश करने लगता है जिससे हमारे मार्जिन हिट होने लगते हैं कुछ कुछ कंपनीज लॉस में भी जाने लगती है फिर ये स्टेमिना देखा जाता है कि कौन सी कंपनी लॉस में कितना ज्यादा सर्वाइव कर सकती है राइट जो जितना ज्यादा लॉस सर्वाइव कर पाएगा वो उतना ज्यादा टिकेगा ऐसी सिनेरियोस में दोस्तों जरूरत होती है कि अब कंपटीशन को कैसे बीट करें कंपटीशन को कैसे फेस करें उसका एक तरीका होता है उठा लो उठा लो मतलब कंपटीटर को उठा लो इसे हम प्रोफेशनली क्या बोलेंगे अक्वायर कर लो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस राइट तो समय समय पर करेक्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करने भी बहुत जरूरी है अगर आपने स्ट्रेटेजिक टाइम पर एक स्ट्रेटेजिक मर्जर्स एंड एक्विजीशंस डील कर ली तो हो सकता है कि आपकी तरक्की बहुत तेजी से हो जाए ये दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में सीखते हैं दैट इज मर्जर्स एक्विजीशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग लेकिन जब भी आप किसी कंपनी को अक्वायर करने जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है परचेस कंसिडरेशन परचे कंसिडरेशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है आपने इंटरमीडिएट में अकाउंट्स में सुन रखा है लेकिन वहां जो आपने काम किया है वो आपने परचेसिडन कैलकुलेट नहीं करा आपको तो लिखकर ही दे दिया था कि एसेट का इतना वैल्यू है इसका इतना वैल्यू इसका इतना वैल्यू उसको उतना पे करना है बताओ पीसी कितना लेकिन रियल लाइफ में सोचो कि आपकी कंपनी अगर बाटा इंडिया को खरीदने जा रही तो कितने का चेक हम उनको दें फिफ्टीन थाउजेंड करोड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड्स थर्टी फाइव थाउजेंड करोड एंड इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस सो यू शुड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शुड नो वन मोर थिंग एंड दैट इज कॉरपोरेट वैल्यूएशन हाउ टू वैल्यू अ अपोरेट हाउ टू वैल्यू अ कंपनी एक मिनट नहीं आना चाहिए क्या ये क्योंकि अगर बाय चांस आपने कैलकुलेट कर दिया और आपने वो कंपनी जिसकी वर्थ सिर्फ 15,000 करोड़ थी और आप उसके 35,000 करोड़ देकर आ गए 35,000 करोड़ आप उस उसकी भरपाई करने में आपको पांच सात साल लग जाएंगे राइट right? तो परचेज कंसिडरेशन यानी वैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपनी का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो हम यहां पर सीखेंगे दोस्त दस साल हो गए टेन इयर्स हो गए आपको इस जॉब में इस जॉब में आपने बिल्कुल नींव से शुरुआत करी यानी आपने कैपिटल बजटिंग कंपनी की नींव आपने रखी उसका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया फॉरेन एक्सपोर्ट आपने किया इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आपने किया एंड एक्विजीशन भी करवाया कॉर्पोरेट वैल्यूएशन भी करवाया आपने कहा बहुत हो गया दूसरों के लिए खुद का अब खुद का मुझे कुछ स्टार्ट एक ऐसा फैक्टर आता है ना यार लाइफ में कि यार खुद का भी कुछ करके देख लो रही तो सिंपल सी बात है क्या है जब मैं अमेरिका में था ना तो मैं अमेरिका से वापस जब आया तो मैंने कहा देखो एक बहुत टफ रहता है डिसीजन अगर आप अमेरिका ऑलरेडी पहुंच चुके जहां बहुत कम लोग पहले ही पहुंच पाते वीजा ही नहीं मिलता है तो अगर आप अमेरिका पहुंच चुके हो और वहां पर जॉब कर रहे हो आपका डॉलर्स में पैकेज है आपकी सेविंग्स उतनी है जितना लोगों का यहाँ पर पैकेज रहता है उससे डबल वहाँ पर आपकी नेट सेविंग्स हैं तो वापस से कमिंग बैक टू इंडिया का डिसीजन बहुत टफ होता है पहले तो ये लगता है कि मैं वापस अगर जाऊँगा तो मतलब सपोज़ करो मैं एक नंबर ले लेता हूँ सपोज़ करो मेरी सेविंग्स है टेन लैक्स रुपीज़ वहाँ पर अब मैं बहुत छोटा नंबर बोल दिया वैसे टेन लैक्स रुपीज़ अगर मेरी वहाँ पर सेविंग्स है तो उतनी तो इंडिया में होनी नहीं मेरी उससे वन फोर्थ होनी वन थर्ड होनी है तो मैं बजाय कि तीन साल इंडिया में काम करूं उसकी जगह मैं एक साल अमेरिका में काम करूं दो साल छुट्टी मनाऊं घर बैठो कुछ नहीं करना तो वहां से जब यहां पर आया तो सिर्फ एक ही बात थे दिल में कि प्रवीण खुद का कुछ सेटअप करना हालांकि रिस्क तो बहुत थी क्योंकि खुद का कुछ सेटअप करने जाते हो तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाए और मतलब कुछ भी हाथ नहीं लगे राइट मैंने कहा कोई बात नहीं एटलीस्ट ये गम तो नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं है मैंने ट्राई किया ना आई एम हैप्पी और ट्राई करने के बाद अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो कोई गम नहीं यही तो उम्र थी मेरी ट्राई करने की पर कम से कम ये गम नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई तो नहीं करा मैंने करा ट्राई अब नहीं हुआ वो होने को मंजूर नहीं था कोई बात नहीं मैं चुपचाप अपना सारा सामान समेट लूंगा और वापस से मैं जॉब पर कोई ना कोई एज ए चार्टेड अकाउंटेंट और तब तक तो मैं सी ए सी ए सब कुछ बन चुका था तो कोई ना कोई तो मुझे नौकरी दे ही देगा हालांकि उतना नहीं कमाऊंगा जितना मैं अदरवाइज कमाता उससे कुछ लोअर पैकेज पर जाऊंगा लेकिन चलेगा पर एक बार जिंदगी में ट्राई करना था और कर लिया दोस्तों ऐसा ही जज्बा आपके दिल में भी आया दस साल बाद यार खुद का कुछ करना है जब मैं इतनी बड़ी कंपनी मैनेज कर पा रहा हूं मेरे अंडर में एक हजार एम्प्लॉज है मैं जब उनको चला पा रहा हूं तो फिर मैं काम करूं ना इस कंपनी में तो मैंने शुरू से ही तो सब कुछ किया है क्यों ना मैं खुद का कोई स्टार्टअप कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है आजकल स्टार्टअप क्यों ना मैं खुद का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूं आई हैव एन आइडिया जब आप 10 साल तक रियल फील्ड में जॉब करते हो ना तो आइडियाज आपके पास आ जाते हैं बस आपको उन आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना रहता है फंड्स की जरूरत थोड़ी बहुत लगती है है हालांकि साल अगर आपने एक एक अच्छी जॉब कर ली तो अमाउंट हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। कुछ कनेक्शन भी हमारे बन जाते हैं यानी वैसे हमारा सर्कल हो जाता है कि अगर हमें फंड रेज करने पड़े तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी लोग भी हमें जानते हैं हमारा टैलेंट वो लोग यहां पर इस कंपनी में देख चुके हैं तो स्टार्टअप्स के केस में गवर्नमेंट के क्या हैं है स्टार्टअप केस में आप कहां, -कहां से फंड रेज कर सकते हैं समथिंग कॉल्ड क्या होती है प्रोसेस क्या होती है राउंड ऑफ फंडिंग ये हम सीखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट चैप्टर में एंड फाइनेंस कि आखिर स्टार्टअप की फंडिंग कैसे होती है अच्छा जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना वो सारे रियल वर्ल्ड में काम में आते हैं आज की तारीख में अगर आप प्रैक्टिस भी करोगे और आपके कोई क्लाइंट है जिनका बेटा स्टार्टअप लगाना चाहता है तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू अप्रोच यू कि वी वांट टू रेस फंड्स मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट बताइए अब हम क्या देन यू यू शुड नॉट गो ब्लैंक कि भाई ये तो पता ही नहीं है प्लीज स्टार्टअप वाले को ऐसा मत बोल देना कि बैंक में चलते हैं बैंक कभी स्टार्टअप को लोन नहीं देता क्योंकि बैंक को चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी और स्टार्टअप तो लॉस में जाता है राइट बैंक स्टेबल बिज़नेसेस को फाइनेंस करता है स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने वाले लोग अलग होते हैं वो क्या प्रोसेस होती है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं स्टार्टअप फाइनेंस में इज दैट क्लियर सपोज करें दोस्तों कि आपने एक फिनटेक स्टार्टअप स्टार्ट करा यानी जैसे पेटीएम हुआ ना फाइनेंशियल

आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है सी ए फाइनल के एस एफ एम या ए एफ एम का सिलेबस जो हर एक एक टॉपिक आपको रियल लाइफ में कहीं कही ना कहीं एस्पेक्ट को टच करेगा दोस्तों स्टार्टअप आपने स्टार्ट करा कुछ समय में हमारी तरक्की हो गई वन ईयर डाउन द लाइन हमारे अंडर में सेवेंटी पीपल काम कर रहे हैं डेफिनेटली जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे आपका कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में कम होता जाएगा क्योंकि जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे और जितना काम फैलेगा उतना आपको ना डेलीगेट करना पड़ेगा वर्क डिसीजन मेकिंग आप हर छोटा छोटा डिसीजन आप नहीं ले सकते यू हैव टू कीप डेलीगेटिंग द वर्क अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो और ऐसे समय में काम आती है एक अच्छी फाइनेंशियल पॉलिसी और एक अच्छी कॉरपोरेट फाइनेंशियल पॉलिसीज और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज कैसे डिजाइन की जाए स्टार्ट right? करने के बाद आपने लोन देने शुरू करे क्या कर लिया आपने लोन देना जैसे पेटीएम भी देता है ना लोन आपने लोन देने शुरू कर दिए आपने एक हजार करोड़ वन थाउजेंड करोड़ रुपीज आपने रेज करें और 1000 करोड के आपने लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए रेज करा आपने फंड 6 परसेंट पर और आपने लोन दे दी 8 परसेंट पर कितना आ रहा है आपका मार्जिन इंटरेस्ट मार्जिन 2 परसेंट का आ रहा है इंटरेस्ट मार्जिन हालांकि उसमें से कुछ खर्चे भी कटते हैं तो भी हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन सपोज करोगी पॉइंट फाइव आ रहा है वन करोड का पॉइंट हमारी ईयरली इनकम होनी शुरू हो गई

लाइबिलिटी अगर इनमें से कुछ लोगों ने पैसा डुबा दिया तो हम लाइबिलिटी साइड को नहीं कह सकते कि वो कुछ लोगों ने पैसा डुबाया तो अब हम आपका भी डुबा रहे नहीं हमारे रेपुटेशन हमारी साख हमारी क्रेडिट रेटिंग पर आ, आ, सवाल उठ जाएंगे देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन नाम तो सुना होगा सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में दोस्तों बेसिकली हम क्या करते हैं जो हमारी एसेट्स हैं ये जिनको हमने लोन दे रखे हैं इनका हम एक पैकेज बनाते हैं सपोज करो हंड्रेड करोड़ के जो हमने लोन दे रखे हैं उसका हम एक पैकेज बनाएंगे और यह पैकेज उठाकर किसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को हैंड ओवर कर देंगे पूरी प्रोसेस डिटेल में तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे बट दी ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो हमने लोन दे रखे हैं उन लोन का एक पैकेज बनाओ और यह पैकेज किसी और को दे दो और इस पैकेज की जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो आज रिसीव कर लो यू विल हैव कैश नहीं समझे एक बार और फिर से समझ रहे हो राइट बैलेंस शीट बैलेंस शीट रखो आप तो दिमाग में बैलेंस शीट वह थाउजेंड करोड़ आए थाउजेंड करोड़ के सपोज हमने लोन दे दिए बट अब दुकान बंद करके तो नहीं बैठ सकते सॉरी हमारा जो सारा पैसा है तो हमने लोन में बांट दिया वी हैव टू तो कीप एक्सपेंडिंग हमने क्या करा है इस थाउजेंड करोड़ में से हंड्रेड करोड़ के लोन्स का एक पार्सल एक पैकेज बनाया और ये पैकेज हमने किसी एक व्यक्ति को दे दिया कैसे दिया उसको यह बोलकर दिया कि देखो आज ये 100 करोड़ का है लेकिन इससे फ्यूचर में reason, ही मिलेगा? Yes. तो हमने क्या करा कि हमने जो लोन बांटे थे उसमें 8 in है? हमने सामने वाले से बात कर ली कि आपको सेवन पॉइंट फाइव परसेंट रिटर्न मिलेगा कितना रिटर्न मिलेगा सेवन पॉइंट फाइव परसेंट रिटर्न तो हम इन फ्यूचर के सारे कैश फ्लो जो एट परसेंट से बढ़कर दिख रहे हैं उनकी डिस्काउंटिंग किससे कर रहे हैं सेवन पॉइंट फाइव परसेंट से कॉमन सेंस से बताइए कि अब जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो हंड्रेड करोड़ आएगी उससे थोड़ी सी कम आएगी या थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा देखना प्रेजेंट वैल्यू क्यों ज्यादा आएगी आज इसकी वर्थ कितनी है हंड्रेड करोड़ फ्यूचर में जो कैश फ्लोज मिलने वाले हैं एट परसेंट इंटरेस्ट जुड़कर मिलने वाले यानी अमाउंट बढ़ कितने से रहा एट परसेंट से लेकिन आप उस अमाउंट को पुल बैक किससे से कर रहे हो से। इतना सिंपल सोचो कि आज सौ रुपए है कल मुझे एक सौ आठ रुपए मिलने वाले हंड्रेड के बदले में मुझे 108 मिलने वाले बट वन जीरो एट की जब मैं डिस्काउंटिंग वन पॉइंट जीरो सेवन फाइव से करूंगा पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट फ्यूचर and... हाँ। तो, तो बताओ ना ज्यादा मैंने क्या करा मेरा जो हंड्रेड करोड़ का लोन का पैकेज था ना वो मैंने सेल कर दिया वन जीरो टू करोड़ में सपोज मैंने कुछ नंबर ले लिया वन जीरो फाइव करोड़ में सेल कर दिया मुझे इंस्टेंट प्रॉफिट हो गया कितने का फाइव करोड़ का और अब मैं वापस से इस रीफाइनेंसिंग कर दूंगा नए लोगों को लोन दूंगा वापस से उनको लोन देने के बाद उनका पार्सल पैकेज बनाऊंगा और शिफ्ट करते चले जाऊंगा यस yes, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि ये लोन का पार्सल खरीद लेते हैं ये होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ये होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर्म्स ये होते हैं हेज फंड होल प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन इज दैट क्लियर मैं चैप्टर नहीं बढ़ा रहा हूं एक बेसिक इंट्रोडक्शन और अगर आपने फिनटेक स्टार्टअप किया है तो आपको सिक्योरिटाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि कब तक आप अनलिमिटेड समय तक बोरो करते चले जाएंगे दिस इज येट अनदर वे टू रेज द फंड्स जो आपने लोन दे रखे हैं आप उन्हीं लोन के पार्सल को बेच दो एक मिनट सर कस्टमर बोलेगा ना हमने तो आपसे लोन लिया आपने उनको कस्टमर को तो पता भी नहीं चलेगा कस्टमर उसकी इंस्टॉलमेंट हमें ही जमा करवाएगा हमें इंस्टॉलमेंट उधर पास ऑन कर देंगे क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट रखने का हमें कोई हक नहीं हम ये पूरा का पूरा लोन का पोर्टफोलियो से सेल आउट कर चुके हैं कस्टमर तक बात भी नहीं जाएगी और बात जानी भी नहीं चाहिए तो ये हमारे पास वो जैसे इंस्टॉलमेंट देगा वो इंस्टॉलमेंट उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी ही इज अर्निंग सेवन पॉइंट फाइव परसेंट रिटर्न विच इज सपोज गुड फॉर हिम और ये जो 0.5 परसेंट डिफरेंस है वो हमने कमा लिया बट फायदा that right? ये सारे जो टॉपिक्स में आते हैं हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस में कॉरपोरेट फाइनेंस में आने अगर हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो पिछली वाली स्लाइड थी अगर हम अपने आप के लिए काम कर रहे हैं तो ये वाली स्लाइड है कुल कितने टॉपिक्स हो गए जो कि हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ने, पैसा आपने कमाना शुरू कर दिया अब दोस्तों पैसा कमाने के बाद पिक्चर में आता पर्सनल फाइनेंस ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा आज आप सीए बन गए सीए बनने के बाद आपकी जॉब लग गई सपोज करो कि आपका पहला पैकेज लगा 15 लाख। एक नॉर्मल सा पैकेज ले लेता हूं मैं ना 15 लाख रुपीज का हमारा पैकेज 15 लाख रुपए का पैकेज यानी सवा लाख रुपए महीना ना हाँ मतलब वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ हालांकि ये ग्रॉस होता है इसका नाम ही पैकेज होता है इसके अंदर काफी सारी चीजें रहस्य बन कर जब जॉब में जाते निकलती है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हमारा ग्रॉस पैकेज है उसमें से तरह तरह की चीज़ें डिडक्ट होंगी और हम देश के कैसे ईमानदार नागरिक होंगे जो कि पूरा पूरा टैक्स भी पे करेंगे तो वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में से डिडक्शंस काफ़ी सारी होंगी आपको वहाँ पर जब आप सपोज करो मुंबई में रहेंगे तो फ्लैट का किराया भी आपको बहुत सारा देना पड़ेगा खर्चा भी आपका बहुत सारा होगा फिर भी नेट नेट देखो कुछ तो सेविंग्स होंगी सपोज़ करें कि वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में से हमारा सेवेंटी फाइव थाउजेंड खर्चा हो जाता है सपोज़ सेवेंटी फाइव थाउजेंड खर्चा हो जाता है तो भी मंथ के एंड में कितने बच जाएंगे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ बच जाएंगे हालांकि जो पहले मंथ की सैलरी होती है वो बचती नहीं है बहुत सारे हमारे ख्वाब होते हैं बहुत सारे अरमान होते हैं जो फर्स्ट मंथ की सैलरी से पूरे होते हैं हमें सबसे पहले ऐसा लगता है यार ये जो पहली पहली कमाई ये मेरी पहली कमाई है सीए बनने के बाद की तो क्यों ना मैं पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इतना सब कुछ मेरे लिए करा मुझे पढ़ाया लिखाया उन्होंने कई बार मेरी एग्जाम थी तो वो लोग जागे उन्होंने मॉरल सपोर्ट मुझे दिया हर तरह का यथासंभव उन्होंने सपोर्ट दिया तो क्यों ना मैं मेरी पहली सैलरी से उनके लिए कुछ करूं गिफ्ट खरीदू एंड वट एवर राइट तो हमने दोस्तों मम्मी पापा के लिए पहली सैलरी से कुछ खरीदा इसी के साथ साथ हमारे यार दोस्त भी होते हैं जिनको हम काफी समय से टाल रहे होते हैं सीए फाउंडेशन जब पास हुए थे दोस्त आया उसने हमें गले लगाया और बोला भाई पार्टी हमने बोला भाई ये तो सिर्फ सीए फाउंडेशन है अभी इंटरमीडिएट निकले जब बात इंटरमीडिएट निकल गया वो आया उसने गले लगाया उसने बोला भाई पार्टी हमने कहा ये तो इंटरमीडिएट था भाई सिर्फ फाइनल किसको कहते फाइनल में पास हो गए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए से से तो 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 इंटरव्यू का कॉल आया जॉब पक्की हो गई भाई दोस्त आया उसने फिर से गले लगाया और बोला भाई पार्टी हमने कहा अभी तो जॉब का ऑफर लेटर आया है पैसे थोड़े ही ना आए उसने कहा ठीक है भाई <laughs> मुंबई ज्वाइन कर ज्वाइन करने के बाद जैसे ही पहला महीना पूरा होगा तीस तारीख आएगी तेरा भाई तेरे फ्लैट पर आएगा और अब तुझसे मुंबई में ही पार्टी ले तो हमारी पहले मंथ की सैलरी यहां पर पार्टी शार्टी में निकल गई सेकेंड मंथ आया थर्ड मंथ आया ऐसे 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 करके अमाउंट इकट्ठे होते गए कुछ पांच से छह महीनों में हमारे पास तीन से चार लाख रुपए का बैलेंस आ गया ना वट आर यू गोइंग टू डू विद दैट तीन चार लाख रुपए को आप क्या करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट में रखेंगे टू वन थ्री पॉइंट फाइव परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज वे लेस देन द इन्फ्लेशन रेट क्या करेंगे दोस्तों आप इन्वेस्ट Invest करेंगे इन्वेस्टमेंट की कुछ एवेन्यूज मुझे बताइए ना कहां कहाँ हम ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी कि बॉन्ड्स खरीद सकते हैं हम सपोज गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं फिर कॉरपोरेट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और म्यूचुअल फंडस आपने बताया हम फॉरन करेंसी में भी पैसा लगा सकते हैं बिल्कुल आपने सही बात बोली मेरे पास एक्चुअली एक हंड्रेड डॉलर का नोट रखा हुआ है वो हंड्रेड डॉलर का नोट जब मैं अमेरिका में था ना टू थाउजेंड टेन में जब वापस आए मैं साथ में याद या, याद यादगिरी के रूप में हंड्रेड डॉलर का नोट लेकर आए दैट इज़ एक्चुअली माई इन्वेस्टमेंट जब मैं अमेरिका से आया था तब डॉलर वन इजिकल टू फोर्टी था और डॉलर वन इजल टू एटी फाइव है सो माई फोर थाउजन इन्वेस्टमेंट हैंड्रेड सो फॉरन करेंसी में इन्वेस्ट करना भी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हो सकता है हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, और बताइए क्या क्या इन्वेस्टमेंट एवे्यूज है कमोडिटीज भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड खरीद सकते हैं गोल्ड कॉइन दस ग्राम का सिक्का और सिल्वर बार्स भी हम खरीद सकते हैं और क्या क्या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हो सकते हैं प्रॉपर्टी जमीन यस ओके रियल एस्टेट या फिर रियल एस्टेट फंड्स नाम की भी कोई चीज आजकल होती है राइट तो देर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए किसी एक ही जगह पर सपोज करो आपने डिसाइड करा कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा क्या आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई सिर्फ किसी एक कंपनी के शेयर में लगा देंगे डाइवर्सिफिकेशन राइट सो वट यू आर गोइंग टू डू विथ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो कैसे सिलेक्ट करें कि किस कंपनी का शेयर लें कब लें कितना लें कब उसे सेल करें कितने में सेल करें हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो वॉट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर राइट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट राइट दोस्तों जैसे ही ये बात आए कि पोर्टफोलियो बनाना है देन यू हैव टू सर्च फॉर द स्टॉक्स कि किस कंपनी का स्टॉक खरीद सो मैनी कंपनी राइट रिलायंस में पैसा लगा सकते हो हिंदुस्तानी यूनिलीवर में पैसा लगा सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में पैसा लगा सकते हो टाटा मोटर्स के शेयर में पैसा लगा सकते हो बट हम वो नॉर्मल कैटेगरी नहीं रहेंगे जो कि टिप्स पे विश्वास करते हैं टिप आई कि रिलायंस का शेयर खरीद लो इतने में खरीद लो ये रहा टारगेट ये रहा स्टॉप लॉस नो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट यार क्या आपको सीए हो भाई आप और जो आपको टिप दे रहा है ना वो सीए नहीं है वो एक्चुअली बिकॉम है आपको बताएंगे जितने सारी टिप वाले और हम तो इंदौर से हैं तो हमें तो और ही आइडिया है तो ये जो बीकॉम वाले रहते हैं ना ये लोग पूरा का पूरा आप इनके पास डेटाबेस रहता है कौन लोग यंग क्राउड है उनको हमें टारगेट करना और उनको टारगेट करते हुए हमें टिप देनी है टिप क्या देनी है आपको तो खैर पता ही होगा आपने बहुत बार सुन रखा होगा अब तो इतनी कॉमन हो गई कि आधे लोगों को बाय कॉल दे दो आधे लोगों को दोनों में से एक तो तो हो होगा इसे शेयर मार्केट है या बढ़ेगा या फिर कम होगा मान लो बढ़ गया तो जो सेल वाले उनका डेटा हटा दो डिलीट कर दो पर जो बाय वाले उनको कॉल करो कि देखो सर हमने टिप दी थी और ये बढ़ गया फिर से जो बचे फिफ्टी परसेंट लोग हैं उनको एक और टिप दो का शेयर आधो को बोलो खरीद ले आधो को बोलो बेच है या तो बढ़ेगा या फिर गिरेगा फिर से डेटा पर हमारे पास डेटा बेस ही कितना स्ट्रांग होगा सपोज हमारे पास ही एक लाख लोगों का डेटा बेस है। फिल्टर होकर करे फिफ्टी थाउजेंड फिल्टर होकर करे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिर से फिल्टर बारह हजार पाँच सो तो भी बारह हजार पाँच सौ लोगों से भी अगर हमने दस दस हजार बहुत बड़ा काम हो जाएगा राइट तो हमें ऐसे स्कैम में नहीं आना है आपको खुद का एनालिसिस करते आना चाहिए कैसे एनालाइज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एनालिसिस नहीं आएगा तो किसको आएगा एनालिसिस क्योंकि आप लोग डॉक्टर हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जांचना, पढ़ना एनुअल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना ये चार्टेड अकाउंटेंट से अच्छा कोई एम भी नहीं कर सकता क्योंकि एम को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई एफ आर एस गैप इन इनका नॉलेज ही नहीं होता ये सिर्फ एक अकाउंटेंट ही जानता है। और आप तो इतने सारे ऑडिट्स कर चुके हो आपने तो इतने सारे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन किए हुए हैं तो आपको भी बताया कि लास्ट मोमेंट पर क्या क्या ट्रिक्स प्ले की जा सकती है तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर आपकी नज़रें वैसे भी इन्वेस्टिगेटिव भी होंगी राइट right? तो दोस्तों आखिर सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस कैसे किया जाए टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाए फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाए इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस। एनालिसिस सर हम यहाँ पर भी सीखेंगे, हाँ, सीखेंगे। बट आपको उसको अप्लाई अभी नहीं करना है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सीखना आसान है उसको अप्लाई करने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस बहुत सारी सिचुएशंस आपके पास होनी चाहिए ये बिल्कुल आप ऐसे समझें जब एक नया व्यक्ति डॉक्टर बनता है ना तो उसके पास डिग्री तो होती है लेकिन डॉक्टर में सही से डायग्नोज करना और, और करेक्ट प्रेस्क्रिप्शन लिखना ये एक्सपीरियंस से ही आता है तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना आसान है उसे छोटे 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 अमाउंट पर लगाकर एक्सपीरियंस बहुत सारा गैदर करना पड़ता है टू इयर्स थ्री इयर्स और फिर उसके बाद हम उसको बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं इज दैट क्लियर ठीक है ओके मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो शेयर मार्केट में पैसा ही नहीं लगाते हैं बॉन्ड में पैसा लगाते हैं किसमें बॉन्ड्स में

अडानी पर हिंडनबर्ग नाम की एक रिसर्च कंपनी है यूएस में उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि अडानी में बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और शेल कंपनीज सो ऑन राइट ऐसा कुछ तो सुना ही होगा आपने भले ही आप शेयर मार्केट में नहीं हो पर अडानी के शेयर गिरे तो ये तो लोकल न्यूज पेपर में भी खबरें छप गई तो अपने को इतना पता है कि अडानी के बहुत शेयर्स गिरे सिर्फ अडानी के शेयर्स गिरे या बॉन्ड्स भी गिरे

कि सिर्फ बॉन्ड में पैसा लगाऊंगा तो ब्याज कमाऊंगा तो से पैसा कमाया जा सकता है हालांकि ये तो डिफॉल्ट रिस्क की वजह से फ्लक्चुएट हुई है लेकिन इंटरेस्ट रेट सीनारियो जब इकोनॉमी में चेंज होता है ना तो भी बॉन्ड की प्राइजेस फ्लक्चुएट होती है तो अगर आपने करेक्टली इंटरेस्ट रेट सिनारियो पकड़ लिया तो भी आप पैसा कमा सकते इसका सिंपल सा मैं आपको देता हूं सपोज करो कि आज की तारीख में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इंटरेस्टेंट तो आज अगर कोई कंपनी बॉन्ड इश्यू करेगी तो कितना इंटरेस्ट प्रॉमिस करेगी नाइन परसेंट सपोज सपोज नाइन परसेंट चल रहा है नाइन परसेंट ही प्रॉमिस करा थाउजेंड रुपीज में उन्होंने बॉन्ड इशू कर दिया नाइन परसेंट इंटरेस्ट उन्होंने प्रॉमिस करा क्यों क्योंकि इकोनॉमी में नाइन परसेंट चल रहा है आपने जो मैक्रो इकोनॉमिक आपका एनालिसिस था आपने एक चीज पकड़ ली कि बॉस नाइन परसेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टिकने वाली नहीं ज्यादा दे क्योंकि अगर नाइन परसेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टिक गई ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाएंगे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे क्योंकि एक्सपेंशन करने में इतने महंगे कॉस्ट ऑफ फंड में कंपनी पैसा थोड़ी ना उठाएगी गवर्नमेंट का जो बोरिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट को भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आपने करेक्ट प्रोडिक्शन कर लिया कि पक्का ओवर पीरियड ऑफ Years, ये 9 की रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स परसेंट पर आ जाएगी सपोज करो कि 9 की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी इकोनॉमी में चल रही वो कितनी हो जाती 6%, right? आपको क्योंकि ये पहले से ही पता था तो आपने उस आपनेसेंट इंटरेस्ट देने वाले बॉन्ड को सब्सक्राइब कर लिया और जब करा तब आपने दिए। कॉमन सेंस से बताना दो सवाल पूछूंगा पहला तो ये कि क्या जो बॉन्ड आपने खरीदा है आपको अब उस पर सिक्स परसेंट ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा कम नहीं बोलेगी क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो हम कम देंगे या नाइन परसेंट तो प्रोमिस्ड इंटरेस्ट रेट था प्रोमिस्ड था तो आपको कितना ही मिलेगा नाइन परसेंट दूसरा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप ये बॉन्ड अब बाजार में बेचने जाओगे बॉन्ड मार्केट में आप इसे सेल करने जाओगे तो ये बॉन्ड थाउजेंड में ही बिकेगा थाउजेंड से कम में बिकेगा या थाउजेंड से ज्यादा में बिकेगा ज्यादा में बिकेगा राइट right? इसलिए ज्यादा में बिकेगा क्योंकि आज जो नए बॉन्ड इश्यू हो रहे हैं वो तो सिक्स परसेंट इंटरेस्ट ही प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन हमारे पास एक बेश कीमती बॉन्ड है जो कितना ब्याज देता है नाइन परसेंट तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू आज ज्यादा होगी एनी बडी विल से अरे वहां हजार में नॉर्मल बॉन्ड मिल रहा है उसकी बजाय अगर एक हजार दस में सपोज छोटा नंबर ले लिया मैंने वन जीरो, जीरो में बॉन्ड मिल रहा है तो वाई शुड आई वाई शुडेंट आई गो फॉर दिस बॉन्ड यार हजार देकर कमाओगे उसके बजाय एक हजार दस देकर हाँ? तो पर एक हजार दस भी मैंने तो प्राइजेस के, के डिफरेंस भी कमा सकते हैं तो बॉन्ड मार्केट में भी कमाई है अगर आपने इंटरेस्ट रेट साइकिल को करेक्टली प्रोडक्ट कर लिया तो और ये वाली चीज कहीं ना कहीं आपको सी इंटरमीडिएट के इकोनॉमिक्स में भी थी वो मनी मार्केट ऑपरेशन में कुछ ऐसा हाँ मैनेट्लेस हम तो यहां पर सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों आखिर बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज किया जाए हम वो यहाँ पर सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट एनएससी बी एस कितना टर्नओवर है इनका डेली का एक हजार करोड़ दो हजार करोड़ पांच हजार करोड़ या ये कुछ नहीं लग रहे हैं अमाउंट जो मैंने बोले ये कुछ नहीं लग रहे इतना टर्नओवर तो अकेले अकेले रिलायंस के शेयर में हो जाता है लाखों करोड़ का टर्नओवर होता है शेयर मार्केट डेली बेसिस और वो जो टर्नओवर होता है ना वो वहां होता है जिसे हम स्टॉक मार्केट जानते हैं ना वहां नहीं होता है जिसे हम नहीं जानते हैं कि अच्छा स्टॉक मार्केट में ये भी होता है वहां ये सारा टर्नओवर होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेरेवेटिव

तो क्या अब यह जरूरी नहीं है कि हमें वो समझ में आए क्या है क्या है डरवेटिव क्या है फ्यूचर्स क्या है ऑप्शन क्या है कॉल ऑप्शन क्या है पुट ऑप्शन उसकी प्राइसिंग आखिर कैसे तय होती है राइट right? चांस अगर आप में से कुछ लोग अभी ट्रेड भी कर रहे होंगे तो आपको ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते नहीं आप आ, नहीं आते आपको तो बाजार में जो दिख रहा है कि ऑप्शन चल रहा है तीस रुपए का बस आप उसको ही सही मान लेते हो तो दोस्तों ये सारे वैल्यूएशन आखिर कैसे होते हैं वो हम सीखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन और उसमें कुछ कुछ कमाई के खास मौके होते हैं जैसे आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटीज़ होती है आर्बिट्रेज वर्ड नहीं सुन रखा कोई दिक्कत नहीं बट आर्बिट्रेज uh, में ऐसा कहते हैं कि खुद का कुछ पैसा भी नहीं लगता इधर से आया इधर गया और रिटर्न भी कन्फर्म गारंटीड मिलता है तो आप ऐसी चीजें नहीं सीखना चाहेंगे क्या जिसमें पैसा भी नहीं लगे और रिटर्न भी कैसा मिले गारंटीड वो कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम यहां पर सीखेंगे एनालिसिस एंड वैल्यूएशन राइट बाय चांस दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं पैसा आपके पास इकट्ठा हो रहा है लेकिन आपके पास अपना खुद का फंड मैनेज करने का समय नहीं है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल तो फिर डेफिनेटली आप पैसा कहां लगाएंगे म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे ऐसा कहते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट की समझ कम है ना तो आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए उसकी वजह आपको किसको पैसा दे देना चाहिए म्यूचुअल फंड्स वालों को पैसा दे देना चाहिए क्योंकि उन्हें शेयर मार्केट की समझ है लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि म्यूचुअल फंड भी तो इतने सारे हैं मैं उनमें से कैसे सिलेक्ट करूं और अगर में इतनी समझ है कि मैं उनको कैसे सिलेक्ट कर लूं तो फिर तो में ये भी समझे कि मैं कंपनी से सिलेक्ट कर लूं राइट तो बट फिर भी म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा लगाना है देर आर हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल आर अवेलेबल सबकी अलग अलग स्कीम होती है राइट तो आखिर म्यूचुअल फंड्स की दुनिया क्या है म्यूचुअल फंड्स को कैसे सेलेक्ट करें उनकी परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करें दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन म्यूचुअल फंड्स चैप्टर समझ आ रही है आपको सारी चीजें वो है जो प्रैक्टिकल टच करेगी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीजें काम में आने वाली मतलब मुझे नहीं पता है कि आपको एफ काम में आएगा या नहीं पर मुझे ये जरूर पता है कि आपको ये काम में आएगा आप जॉब करोगे तो भी काम में आएगा अरे आपकी अगर ऑडिट में ही जॉब लग गई चलो ऑडिट में आपने PWC में जॉब ज्वाइन कर में ऑडिट करोगे आप दिन भर पैसा तो कमाओगे पैसा कमाओगे क्या करोगे इज दैट क्लियर राइट तो आप जॉब करो तो भी ये काम में आने वाले आप प्रैक्टिस करोगे तो भी ये काम में आने आप इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करो तो भी पैसा तो कमाओगे ना मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप मुझे जिंदगी भर याद करो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है रिस्क मैनेजमेंट वो होती है रिस्क मैनेजमेंट आप में से कुछ लोग जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं आप लोग टी ट्वेंटी के फैन हैं आप क्या सोचते हैं कि मैंने टेन थाउजेंड रुपीज अगर ब्रोकर को ट्रांसफर करे जो शेयर मार्केट में अभी पैसा लगाते मैं उनसे बात कर रहा हूं टेन थाउजेंड रुपीज आपने अपने ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करे आपकी क्या सोच रहती है पता है दस के बीस कब होंगे कितनी फटाफट होंगे तीन महीने नहीं ज़्यादा हो गया एक महीने में मुझे दस का क्या चाहिए बीस आप टी ट्वेंटी क्रिकेट खेल रहे हो शेयर मार्केट में लेकिन ये शेयर मार्केट टी ट्वेंटी नहीं है यहाँ पर जो टी ट्वेंटी स्टाइल में आता है उसका विकेट जल्दी गिरता है शेयर मार्केट एक टेस्ट मैच है शेयर मार्केट का एक टेस्ट मैच है जिसमें कि आपको टिके रहना है अगर आप विकेट पर टिके रहे तो रन अपने आप बनेंगे दोस्तों इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है अगर आपने हंड्रेड सक्सेसफुल ट्रेड्स भी करे सौ सक्सेसफुल ट्रेड कर लिए बट अगर एक गलत ट्रेड कर लिया आपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करा तो आपकी सारी कैपिटल आउट हो सकती तो रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट है मतलब मैं जब खुद का भी पोर्टफोलियो लगाता हूं तो वट आई फोकस मोर ऑन इज रिस्क मैनेजमेंट पार्ट की प्रवीण जो पैसा लगा है ना वो सेफ रहे रिटर्न अपने हाँ आप आते हैं रिटर्न्स अपने हाँ आप आते हैं देखो यार सिंपल सी बात है आप क्रिकेट खेल रहे हो विकेट बचा हुआ है ना रन अपने आप आएंगे और कौन सा भी आपको ये 20 साल की कच्ची उम्र में इतना सारा पैसा कमाना है आप तो अभी 20 इयर्स की एज में हो आपको तो 60 इयर्स तक भी पैसा लगाना है 70 तक भी पैसा लगाना है तो आप टी ट्वेंटी स्टाइल में क्यों जाएंगे आप जाएंगे ना धीरे 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 आता जाए आता जाए आता जाए इज दैट क्लियर राइट तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए वो हम यहाँ पर सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में राइट दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें हमारे एस एफ एम के सिलेबस के अंदर पढ़ने बहुत इंटरेस्टिंग हमारा सिलेबस है इसके अंदर एक एक चीज को हम बारीकी से पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को भी टच करेंगे और रियल लाइफ के एस्पेक्ट्स को भी मैं टच करूँगा राइट अब कुछ कुछ सवाल रहते हैं स्टूडेंट्स के मन में वो ये रहता है सर बहुत अच्छी बात है बट ये बता दीजिए <laughs> आखिर बैच का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है तो दोस्तों हमारी बैच का ड्यूरेशन रहेगा 80 लेक्चर्स रफली थ्री एयर्स का नेट टाइमिंग हम जो लेक्चर लेंगे उसमें एक ब्रेक भी होगा बीच में तो ब्रेक के टाइम को हटाकर नेट हमारा थ्री अयर्स का एक लेक्चर बनेगा सो एटी मल्टीप्लाई बाय थ्री अप्रोक्सिमेटली टू फोर्टी टू फिफ्टी आवर्स में हम इस बैच को कंप्लीट कर लेंगे इसके पहले जब मैं पढ़ाता था, था तो आई यूज टू टेक थ्री हंड्रेड प्लस आर्स, मुझे 300 प्लस आर्ट्स लग जाते थे जो थोड़े से मुझे भी ऐसा लगता है थोड़े से लेंदी हो जाते हैं हालांकि जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत डिटेल में सारी चीजों को पढ़ाता हूं सारे एस्पेक्ट में टच कर देता हूं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पहला अटैम्प्ट सिर्फ एक ही बार आता है और पहले अटैम्प्ट में पास होने की खुशी ही अलग होती है तो पहले अटैम्प्ट में अगर पास होना है तो देन यू हैव टू तो स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल तो फिर सर आप हमें थ्री हंड्रेड आर्ट्स क्यों नहीं पढ़ा रहे आप हमें टू फिफ्टी आर्ट्स में क्यों निपटा रहे हैं तो तो दोस्तों ये जो 50 आवर्स का हमारा जो टाइम सेव होगा ये बेसिकली हम थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग करके सेव करेंगे पहले मैं क्या करता था बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मैंने क्वेश्चन करवा दिया सबको समझ में भी आ गया उसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन आया मैं उसको फिर से करवा देता था कुछ स्टूडेंट्स बोलते सर क्यों करवाए जब आप ऑलरेडी वैसा करवा चुके ये हमको समझ वो उधर से नहीं नहीं चिल्लाते थे नहीं नहीं पर मैं बोलता था हाँ हाँ हा, हम इसको और करेंगे तो हमें इतना सारा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है दोस्तों आज के जमाने में हमारे पास समय कम है काम बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें भी हमें चलानी है तो हम यहाँ पर <laughs> तो हम यहाँ पर टू आवर्स के अंदर हंड्रेड क्वालिटी के साथ हंड्रेड ऑफ द कॉन्सेप्ट फुल कवरेज ऑफ द सिलेबस को हम यहाँ पर कवर करेंगे इन बातों के लिए विश्वस्त रहिए सर आप इन 240 फोर्टी आवर्स में आखिर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे यानी डाउट ये आता है कि सर सपोज करें कि आप पढ़ा रहे हैं हमने आपके नोट्स पढ़ लिए इसके अलावा हमें और क्या क्या रेफर करना पड़ेगा सर क्या हमें आई का स्टडी मटेरियल रेफर करना पड़ेगा क्या हमें आर टी एम टी पास्ट एग्जाम्स के पेपर ये सब भी हमें रेफर करने पड़ेंगे नहीं मैं ऑलरेडी रेफर कर चुका हूं तो जो हमारे नोट्स बने हुए हैं ना उसमें हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन कहां से आए हैं यानी आपका जो स्टडी मटेरियल है वो हंड्रेड परसेंट हमारे नोट्स में कवर्ड है हमने नोट्स कर लिया पूरे क्लास में तो आपको स्टडी मटेरियल अब रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पास भी रखा हुआ है स्टडी मटेरियल और क्योंकि मुझे पता है कि जब भी एग्जाम होती है उसमें रफली सेवेंटी परसेंट ऑफ द पेपर आईसीएआई के जो सोर्सेज हैं एग्जिस्टिंग सोर्सेज है उसी से ही सेवेंटी पेपर बनता है आप तो खैर इंटरमीडिएट के एग्जाम दे चुके तो आपको पता है कॉस्टिंग का पेपर एफ इकोनॉमिक्स का कैसे बनता है राइट right? जो एक्जिस्टिंग आईसीआई का मटेरियल है उसी से ही मिनिमम सेवेंटी ऑफ द पेपर बनता है तो जब उसी से ही बनता है तो हम उससे अलग क्यों जाएंगे राइट right? तो दोस्तों हमारे नोट्स के अंदर स्टडी मटेरियल है प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस हैं पास एग्जाम पेपर्स यानी सजेस्टेड आंसर्स के क्वेश्चंस हैं पिक्चर है ये कैसे पता दोस्तों क्या रहता है कि आईसीआई हर अटेम्प्ट में एक दो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछता है जो अभी है नहीं कहीं कांसेप्ट वही लेगा लेकिन मजे लेगा बच्चा यानी सिंपल सी बात है जैसे कि आपने इंटरमीडिएट पढ़ रखा था तो उसका एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ रखा है आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी आती है वो लोग एन दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ कि फिर वो रेवेन्यू आखिर कितना था मतलब सीधा तो जाना आपको आता है लेकिन उल्टा आखिर कैसे जाए राइट right? तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आई सी आई हर अटेंड में कभी क्या टॉपिक्स एक्सपेरिमेंट करता है कभी क्या टॉपिक्स एक्सपेरिमेंट करता है तो ऐसी सारी जो फोरकास्टेड सिचुएशन है वो सारा का सारा मैं कॉन्सेप्ट पोर्शन के अंदर कंप्लीट कर लेता हूँ राइट दोस्तों फ्यूचर एग्जाम के क्वेश्चन की भी अब कोई चिंता नहीं रही आर कवर्ड है और क्या क्या मॉक टेस्ट पेपर्स कवर्ड है और सी एफ ए और दूसरे फेमस ऑथर की किताब का थोड़ा सा वन परसेंट कंटेंट नाइन कंटेंट ये बचे हुए सर्कल से आ रहा है सर कंटेंट जो मुझे लगता है कितना क्वालिटी क्वेश्चन है ये तो इनको पता होना ही चाहिए और इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं कि आईसीआई इस क्वेश्चन को पुल कर सकता है वो चीजें भी हम यहाँ पर करेंगे ये सारी चीजें दोस्तों हमारे नोट्स के अंदर शुमार है नोट्स के अलावा मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ नोट्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है नोट्स में से ही पेपर बनेगा बाय चांस नोट्स में से पेपर नहीं बना तो और खुश हो जाओ फिर सिर्फ अपना नहीं बाकी सबका भी जाएगा <laughs> तो बाकी सबका ज्यादा जाएगा क्योंकि हम तो फिर भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस हैं वो कर चुके हैं राइट तो आपको नोट्स के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सर आप थ्योरी भी पढ़ाते हैं जी हाँ भी पढ़ा लेता हूं तो मैं एफ एम एस एफ एम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा थ्योरी भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा क्योंकि जो भी प्रेजेंट ट्रेंड है उसमें थ्योरी आती है रफली ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मार्क्स की और थ्योरी कुड बी अ सेवियर फॉर यू कभी कोई एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बन रहा है एटलीस्ट यू कैन अटेप थ्योरी पार्ट राइट तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रैक्टिकल्स कवर करते हैं थ्योरी कवर करते हैं सर आप कैसे पढ़ाते हैं पढ़ाने का तरीका दोस्तों बहुत सिंपल है सबसे पहले मैं जब पहला चैप्टर शुरू करूंगा और कोई सा भी चैप्टर शुरू करूंगा मैं उसका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ले डाउन करूंगा कि आखिर ये चैप्टर पिक्चर में ही क्यों आया क्यों आखिर ये एग्जिस्ट करता है इसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट आखिर क्या पूरा हम और क्रिएट करेंगे उस चैप्टर का फिर दोस्तों मैंने ना कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रखे हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स मैंने कैसे क्रिएट कर रखे हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सारे समय का कि कैसे 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 क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन का निचोड़ और कॉम्बो ये क्वेश्चन में क्या रहता है जैसे लेवरेज का क्वेश्चन है तो लेवरेज के दस क्वेश्चन है तो दस के दस अलग नहीं होते उनमें कुछ कुछ चीजें तो कॉमन रहती तो उन सारे दस क्वेश्चन को इकट्ठा करके आई हैव मेड है और ये जो एग्जाम्पल है मैं इसे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल कहता हूं क्यों कहता हूं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल क्योंकि ये वो नहीं कि दो लाइन में लिखा और चार लाइन में सॉल्व हो गया ये एग्जाम्पल भी बड़ा होगा इसमें बहुत सारी सिचुएशन में जब मैं एड्रेस करूंगा तो आपको थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू आ जाएगा जैसे मैं एंड एक्विजीशन का एक एग्जाम्पल लूंगा तो मैं उसके अंदर थ्री सिक्सटी डिग्री थिंग्स एड्रेस कर दूंगा तो इससे एक ओवरऑल हमारा व्यू बन जाता है कि अच्छा है चीज़ें कैसे पैन आउट होगी बाय चांस अगर आपने उससे इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है तो जैसे मैं आपको कैपिटल बजटिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं कैपिटल बजटिंग में क्या क्या चीजें रियल लाइफ में हो सकती है वो सारा डेटा पुल करके उसको पूरा प्रोसेस करके और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ तो इससे एक हमारा कम्फर्ट लेवल पूरे टॉपिक से बढ़ जाता है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका हंड्रेड परसेंट कॉन्सेप्ट यहीं कवर हो जाता है इसके बाद हम दोस्तों ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स करने के बाद हम करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी वही जो स्टडी मटेरियल आर टी बी एम टी पी से आए हुए फिर ऐसी नौबत क्यों तो दोस्तों इतना सब करने के बाद क्या होता है कि जब डेटा तो बहुत सारा आ गया इकट्ठा हो गया आखिरी में आपको पता होगा कि जो सी ए की एग्जाम्स होती है उसमें जो भी आपके मार्क्स आते हैं सपोज करो कि आपके इनकम टैक्स के पेपर में इंटरमीडिएट की बात करो आपका इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स के पेपर में सिक्सटी मार्क्स आए वो जो सिक्सटी मार्क्स है ना उसमें से फोर्टी मार्क्स इसलिए आए क्योंकि आपने आखिरी दिन पढ़ा था इनकम टैक्स फ्लैशबैक में जाओ और दो मिनट के लिए सोचो कि आपने आखिरी दिन पढ़ा ही नहीं था इनकम टैक्स वो एक दिन का बीच में गैप मिलता है ना उस दिन आपने इनकम टैक्स ही नहीं पढ़ा आपने एक वेब सीरीज निपटा दी अब अब आप बताइए कि आपको अब इनकम टैक्स के पेपर में आएंगे सिक्सटी नहीं कितने आएंगे नहीं। तो बीस नंबर पच्चीस नंबर पास होने के लाले पड़ जाएंगे यानी क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि लास्ट डे कितना इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट डे में मिस प्लानिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं राइट आप कुछ चिंदा करने की जरूरत नहीं है मैंने इतनी सारी एग्जाम्स पास कर रखी है तो मुझे पता है कि आखिरी दिन क्या चीजें रिवाइज करनी चाहिए कितने अमाउंट ऑफ टाइम तक उनको रिवाइज करना चाहिए क्या चीजें करनी चाहिए आपके साथ इंटरमीडिएट में जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप जैसे ही पांच बजे एग्जाम हॉल से बाहर निकले हैं और ये पेपर रहा आपके हाथ में और आपने क्वेश्चन ऐसा हुआ और यार ये और ये सिली मिस्टेक हो गई ये सिली मिस्टेक सिली नहीं होती है। जिसको आप सिली बोल रहे हो वो आठ नंबर लेकर जाती है क्योंकि एग्जाम में होती स्टेप मार्किंग और स्टेप मार्किंग में अगर स्टेप वन गलत हुई तो नीचे की सारी स्टेप्स गलत जिसको आप सिली बोल रहे हो वो सिली नहीं है आठ नंबर गए और पास और फेल में फासला ही कितना होता है उंग? जो भी फेल होते हैं सपोज टू हंड्रेड लाने तो कोई ऐसा फेल नहीं होता यार पचास ही आए जो फेल, जो फेल होते हैं वो 181 आ, 185 आ, 188, 193, 190, 197, किसी किसी के तो हो तो नंबर ही गए होंगे क्या होता है दोस्तों ये पास और फेल में सिर्फ इतना सा फासला होता है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इतनी पढ़ाई करके जाओ और उसके बाद ये हो जाएगी यार छोटी सी मिस्टेक हो गई इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं जो आपसे पोटेंशियल मिस्टेक्स होने वाली एग्जाम में कि बच्चों की गलती हो सकती है ये ध्यान रखना वो तो सारी मैं नोट करवा देता हूँ दिज आर द कॉमन पिटफॉल्स और वो तो मैं करवाऊंगा और बाय चांस अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा कि वो कैसे कॉमन पिटफॉल्स आते हैं राइट तो वो कॉमन पिटफॉल्स क्या क्या हो सकते हो पता होना चाहिए एक बार मैंने अगर आपको बता देना देखना ध्यान रखना है गलती एग्जाम में हो सकती है और वो हम प्रॉपर नोट डाउन करेंगे और आप आखिरी दिन अगर उसको पढ़कर जाएंगे तो फिर आपकी फ्रंट मेमोरी में रैम में रहेगा आपका वो डेटा की अरे गलती हो सकती है करते वक्त यू वुड बी कॉशियस और अगर आप कॉशियस हैं तो डेफिनेटली यू वुड बी अवॉइडिंग दो मिस्टेक्स और ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं अगर मेरे इतना सब बताने के बाद एक भी मिस्टेक अगर आपने अवॉइड कर दी मैं मान लूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई क्योंकि एक मिस्टेक अगर आपने अवॉइड कर दी मेरे बताने पर तो पांच से आठ मार्क प्लस हो जाएंगे

सोल्यूशंस कॉपी, राइट आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है तो आपको पता ही होगा नहीं तो भी मैं बता दूं कि हम एक कॉन्सेप्ट की कॉपी सेपरेट बनाते हैं कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहसिव एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थिंग्स टू रिम्बर इन एग्ज़ाम कॉमन पेटफॉल्स क्वेश्चन नोट्स ध्यान रखना ऐसे ऐसे घुमा सकता है वो सारी चीज़ें किस में लिखी हुई है कॉन्सेप्ट कापी में और जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जो आईसीआई की क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस हम सेपरेट कॉपी में करते हैं कॉन्सेप्ट कॉपी सेपरेट बनाने का मकसद यह रहता है एक तो आखिरी दिन बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है पता रहता है कि ये वो कॉपी है जो मेरी 300 पेजेस की सपोज बनी हुई है कॉपी और ये तो मुझे आखिरी दिन रिवाइज करनी तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे साथ ही साथ मैं लास्ट डे कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने वो आपको टिक करवा देता हूँ कि ये ये क्वेश्चन लास्ट दिन हमें रिवाइज करने जिससे और कॉन्सेप्ट की बेहतर इंप्लीमेंटेशन वाली प्रैक्टिस हो जाएगी राइट तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट नोटबुक सेपरेट बनानी सोल्यूशन कॉपी हमें सेपरेट बनानी इससे साइकोलॉजिकली भी फायदा रहता है सिलेबस थोड़ा लाइट दिखता है सोचो कि तीन रजिस्टर भर दोगे आप तीन तीन सौ पेज के तीन रजिस्टर तो आपको ऐसा लगेगा अरे बाबर एसे हम इतना हैवी उसको सेग्रीगेट कर दो 300 सौ पेजेस का एक रजिस्टर कॉन्सेप्ट कॉपी वो कभी अगर आप आउटस्टेशन ऑडिट पर भी गए तो साथ में लेकर चले गए वहां काम तो करना ही नहीं पड़ता तो हम <laughs> वहाँ पर हम इसको इजीली पलटा सकते हैं कहाँ तीन रजिस्टर आप कैरी करोगे ना उसकी बजाय यू कैन सिंपली कैरी द कॉन्सेप्ट कॉपी राइट तो दोस्तों ये था पूरा, -पूरा का पूरा एसएफएम का इंट्रोडक्शन खूब मज़ा आपको आने वाला है एसएफएम एएफएम की बैच में अब इस इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा सा हम फिफ्टीन मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट एफ के पढ़ना शुरू करेंगे ओके okay. चलिए वेलकम बैक तो दोस्तों हमने एस एफ एम एफ एम की बैचेस की स्टार्टिंग कर दी थी जिसमें हमने पूरा को पूरा इंट्रोडक्शन देखा कि आखिर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं राइट अब हम यहाँ पर बेसिक्स पढ़ने से शुरुआत कर रहे हैं मैं जो बेसिक्स बता रहा हूं वो किसी भी चैप्टर में किसी भी वक्त कभी भी काम में आ सकते हैं हालांकि जब मैं बेसिक्स बताऊंगा तो हो सकता है कभी कुछ कुछ बेसिक आपको इतने बेसिक लगे कि ये भी क्या बात बता रहे हैं लेकिन फिर भी दोस्तों अगर मैं बता रहा हूं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज है मैं चाहता हूँ कि आपसे वो सिली सी मिस्टेक एग्जाम में ना हो जाए जिसको आप बेसिक समझ रहे हो वो बेसिक मिस्टेक ही आपसे एग्जाम में ना हो जाए तो दोस्तों हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं बेसिक्स पढ़ने से जैसे कि बात हुई थी हम दो कॉपीज बनाएंगे एक कॉन्सेप्ट कॉपी और एक ूशन कॉपी तो अभी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट कॉपी बना रहे हैं क्या सर ये हमें साथ साथ नोट करते चले जाना है जी हाँ हमें साथ साथ नोट करते चले जाना है अपनी हैंड रिटन कॉन्सेप्ट कॉपी बनी हुई रहेगी तो कॉन्फिडेंस अलग आएगा जब आप एग्जाम में लास्ट डे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स पढ़ते हो तो एक विश्वास रहता है कि हाँ ये वो चीज़ है जो मुझे कभी ऑलरेडी अंडरस्टैंड हुई थी समझ में आई थी राइट right? तो दोस्तों कॉन्सेप्ट पर आते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ओके okay. बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दोस्तों कुछ छोटी छोटी चीजें हम यहां पर कवर करेंगे जिससे एक हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी इंटरमीडिएट uh, में कुछ हमने पढ़ा हुआ है तो वो चीजें यहां पर ब्रशअप हो जाएंगी और फाइनल में वो सारी चीजें काम में आएंगे ओके okay. सबसे पहला होता है ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर And I'm very sure that all of you know how to calculate earnings per share, right? How do you calculate karte hai, dosto, earnings per share? EAES, right? Earnings available for equity share holders upon... नंबर ऑफ शेयर्स राइट दोस्तों हमने इंटरमीडिएट में देखा था इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है राइट बेसिक फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का सबसे पहले आते हैं रेवेन्यूज इसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट मतलब दो-तीन फॉर्मेट होते हैं एक सीओजीएस वाला भी होता है वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है राइट कॉन्ट्रीब्यूशन right? में से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो ये आता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अगर आप कॉस्टिंग से ज्यादा प्रभावित है तो अभी आप यहां पर प्रॉफिट बोलने वाले थे लेकिन दोस्तों एफ में यहां पर प्रॉफिट नहीं आता एफ एम में इसको क्या कहते हैं ई बी आई टी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसमें हम क्या माइनस करते हैं इंटरेस्ट अब आ जाता है अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स तो ये आ जाता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स राइट लेकिन अर्निंग्स पर शेयर किसके लिए निकलता है प्रेफरेंस प्लस इक्विटी दोनों के लिए निकलता है प्योर इक्विटी के लिए निकलता है प्योर इक्विटी के लिए जबकि ये जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस है इसमें से हमें प्रेफरेंस डिट भी पे करना होता है राइट right? तो जब हम इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंट पे करते हैं और अब जो अर्निंग्स बचती है ठीक है तो दोस्तों अर्निंग्स पर शेयर का जो फॉर्मूला है आपको सभी को पता है अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू तो ई e एस अर्निंग्स -E अवेलेबल टू तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन एन यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स राइट बट हमारी किताबों में कई सारी जगह पर आपको ये वाला फॉर्मूला मिलने की बजाय हो सकता है कि ये फॉर्मूला मिले अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस अपॉन एन यानी जब आप सी इंस्टीट्यूट का बाई चांस मेटेरियल भी रेफर करेंगे तो आपको दिखेगा अरे ई पी एस इक्वल टू क्या लिख दिया ई ए टी अपॉन एन तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है किस सिचुएशन में जब प्रेफरेंसर्स ना हो इस नाट क्लियर तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट देर इज नो प्रॉब्लम अगर आपको यह फॉर्मूला भी लिखना है तो आप लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेफरेंस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इफ प्रस शेयर डजेंट एग्जिस्ट अगर प्रेफरेंशियर एग्जिस्ट नहीं करते तो ये वाला फार्मूला चलता है एंड देर इज लिटरली नो प्रॉब्लम ओके अब दोस्तों ये जो हमने अर्निंग्स कमाई है इसमें से कुछ पैसा तो कंपनी खुद रख लेती है रिटेन कर लेती है, और कुछ पैसा कंपनी बांट देती है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स राइट दोस्तों अगर हमें डिविडेंड ईल्ड कैलकुलेट करनी है मैं मुझे क्या कैलकुलेट करना है डिविडेंड ईल्ड परसेंटेज की कितना है डिविडेंड ईल्ड का परसेंटेज है ना तो मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रख रहा हूँ आप मुझे बताना कि डिविडेंड ईल्ड कितनी बनती है सपोज करें कि कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर है टेन रुपीज है ना और कंपनी ने उसमें से डिविडेंड दिया है फोर रुपीज यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर कितनी आ गई है सिक्स रुपीज आप मुझे बताइए दोस्तों डिविडेंड ईल्ड कितना परसेंट है फोर्टी परसेंट राइट ये गलत जवाब है दोस्तों तो लिखते हैं हाँ तो क्या होता है कि डिविडेंड एक ऐसा ही टर्मिनोलॉजी है जिससे बहुत सारे रेशोस निकलते हैं नहीं गलत था जवाब देखते हैं सही क्या है एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना उसका उससे होगा ही नहीं करेक्ट आंसर ये था कि सर डिविडेंड डील्ड इससे कैलकुलेट ही नहीं होगी ठीक है तो दोस्तों हाँ बिल्कुल सही किसी ने जवाब दिया तो यहाँ पर दोस्तों डिविडेंड से रिलेटेड तीन टर्मिनोलॉजीज होती हैं एक है डिविडेंड परसेंटेज दूसरा होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो और तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज क्यों बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली कौन सा वर्ड क्वेश्चन में यूज करा हुआ है उससे आपके जवाब चेंज होंगे मतलब उससे पूरा आंसर की काया पलट जाएगी राइट तो इसलिए यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन की क्वेश्चन आपको डिविडेंड परसेंट फोर्टी परसेंट बोल रहा है या डिविडेंड पे आउट रेशियो फोर्टी परसेंट बोल रहा है या डिविडेंड ईल्ड फोर्टी परसेंट बोल रहा है उससे आपका नंबर चेंज हो जाएगा राइट दोस्तों डिविडेंड परसेंट यानी वही जो आपने ग्यारहवीं बारहवीं के अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कि कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है सपोज करो टेन रुपीज और कंपनी ने फोर्टी परसेंट डिवरेंट दिया है याने फोर रुपीज का डिविडेंड दिया है तो डिविडेंड परसेंट जब भी क्वेश्चन बोले टर्मिनोलॉजी यूज हो तो डिविडेंड परसेंट का हमेशा बेस क्या होगा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर राइट तो दोस्तों यहां पर डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन फेस वैल्यू ठीक है

सो so सपोज करो कि अगर हमारी अर्निंग्स पर शेयर टेन रुपीज है और फोर रुपीज का डिवरेंट दिया गया है देन डिवरेंट पे आउट रेशियो इज फोर्टी परसेंट राइट हाँ जी डिवरेंट ईल्ड परसेंटेज देखना दोस्तों क्या होता है मतलब एफ का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी ये ये वाला वर्ड यूज कर लिया जाए कौन सा वर्ड ईल्ड तो बाई डिफॉल्ट ईल्ड ईल्ड का मतलब होता है रिटर्न अच्छा ईल्ड का मतलब कॉस्टिंग में अलग होता है एफएम में अलग होता है कॉस्टिंग में अगर फैकल्टी बोलती है ईल्ड एटी परसेंट आउटपुट है कितना आउटपुट आया और एफ एम में रिटर्न मतलब आया और बाय मतलब और मार्केट प्राइस पर, पर. कि मैंने मार्केट प्राइस कितना लगाया शेयर अभी कितने का चल रहा है और उस पर मुझे कितना डिविडेंड मिला है राइट right? तो दोस्तों का फॉर्मूला होता है डीपीएस डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ठीक है अब ये तीन टर्मिनोलॉजी क्यू तो जब कंपनी एजीएम जब रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी जी जनरल मीटिंग को एड्रेस करेंगे तो वो क्या बोलेंगे वो डेवरेंट ईल्ड परसेंटेज पर ध्यान देंगे क्या नहीं हालांकि परसेंट सुनने में बड़ा लगता है लेकिन एक्चुअली वो मिलता किस पर है

आज तो सपोज करो कि रिलायंस का शेयर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ कैसे ही राउंड नंबर बोल रहा हूँ मैं पच्चीस सौ का रिलायंस का शेयर है तो आप मुझे पच्चीस सौ पर कितना डिविडेंड दे रहे चार रुपए

करना डिविडेंड परसेंट वर्ड लिखा है तो फेस वैल्यू ढूंढना और उस पर अप्लाई करना इज दैट क्लियर अच्छा एक और चीज क्योंकि ये हमारी लाइव बैच चल रही है और लाइव फेस टू फेस चल रही है मैं आपको देख पा रहा हूं आप मुझे देख पा रहे हैं तो अगर मेरे समझाने में आपको जरा सा भी कोई शक हो सवाल हो मन में वो आप मुझसे पूछ लेना आपका अगर बेसिक्स है भी डाउट है तो आई एम गोइंग टू आंसर That. मतलब मैं एक बहुत अच्छा इंसान मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि आपने डाउट पूछा और मैंने आपके मजे ले लिए नहीं मैं ऐसा नहीं मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ राइट आपने डाउट पूछा आई वुड रियली अंडरस्टैंड कि ये डाउट आ रहा है तो आखिर क्यों आ रहा है है ना तो आप बेफिक्र होकर मुझसे डाउट पूछ सकते हो मैं कभी आपके वजह नहीं लेने वाला डाउट पूछ ले लो ठीक है ओके तो पहली तो चीज़ ये कि आपको जो जो मन में डाउट आया वो आप पूछ सकते हो ऑब्वियसली सिलेबस से ट्रैक पर रहते हुए हमें लाइन डिवेट नहीं करना है राइट दूसरी चीज़ ये कि आ, हमारी क्लास को जितना इंटरेक्टिव बनाएंगे ना उतना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा तो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ बेफिक्र होकर जवाब दीजिए राइट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा गलत ही होगा यहाँ कौन से हमारे पैसे कट रहे मतलब तो मार्क्स कट रहे हैं राइट तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जितना जवाब दोगे उतना इंटरेक्टिव फील होगा उतना ज़्यादा हमारा पार्टिसिपेशन बनेगा चलिए दोस्तों आते हैं हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट पर हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है रिटेंशन रेशियो रिटेंशन रेशियो मतलब कितना रिटेन कर लिया राइट तो सपोज करो कि अगर कंपनी ने टेन रुपी का ईपीएस कमाया है अर्निंग्स पर शेयर और उसमें से फोर का डिविडेंड दे दिया है यानी फोर्टी परसेंट तो हो गया पे आउट और सिक्सटी परसेंट हो गया रिटेंशन रेशियो राइट तो रिटेंशन रेशियो का दोस्तों फॉर्मूला आप क्या बताना चाहेंगे uh, दो फॉर्मूलाज हैं एक तो होता है वन माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज दैट क्लियर यहां पर डिविडेंड पे आउट रेशियो फोर्टी परसेंट और एक्चुअली फोर्टी परसेंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसा लिखते हैं पॉइंट फोर जीरो सो वन माइनस पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सिक्स जीरो इज अवर रिटेंशन रेशियो या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं पूरा स्क्रेच से फॉर्मूला ईपीएस माइनस डी पी एस अपॉन ईपीएस इज दैट क्लियर ठीक है चलिए नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं और वो है अर्निंग्स ईल्ड परसेंटेज अर्निंग्स ईल्ड परसेंटेज अर्निंग्स ईल्ड अब आप ध्यान देना यहां पर मैंने वर्ड क्या लिखा है ईल्ड इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि डिनोमिनेटर क्या होने वाला है मार्केट दुनिया में कभी भी यील्ड कैलकुलेट करोगे अपने सिलेबस में जब भी यील्ड कैलकुलेट करेंगे बाय डिफॉल्ट द डिनोमिनेटर वुड बी मार्केट प्राइस बिकॉज यील्ड मींस रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न तभी कैलकुलेट होता है जब आप आज के बेसिस पर देखते हो कि आज मेरा कितना रुपया उस इन्वेस्टमेंट में ब्लॉक्ड है तो मुझे आज के जो मेरे रुपए ब्लॉक्ड है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है राइट और ये कौन सी ईल्ड है अर्निंग्स ईल्ड फॉर्मूला दोस्तों आप बता सकते हैं ई अपॉन मार्केट प्राइस राइट ये होता है हमारा अर्निंग्स ईल्ड का फॉर्मूला EPS upon market price बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत सारी जगह पर ये सिलेबस में काम में आ जाते हैं और तब हमें बेसिक में नहीं उलझना पड़ेगा अरे अर्निंग सील्ड क्या होता है तो हम यहीं पर ही समझ लेते हैं अर्निंग सील्ड क्या होता है इसके बाद दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी जिसको हम मार्केट कैप कहते हैं जैसे कि दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा है 200-500 करोड़ या बड़ी कंपनी राइट right? तो मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं आई थिंक आपको आता है हाउ डू यू फाइंड मार्केट कैप है ना मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर इज दैट क्लियर तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोज करें कि अभी मार्केट प्राइस चल रहा है ट्वेंटी थ्री हंड्रेड रुपीज

ट्रिपल जीरो कितना आता है मार्केट कैप तेईस लाख करोड़ ट्वेंटी थ्री लाख करोड़ आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नाट क्लियर ओके हाँ उनके कुछ ऐसे छह सौ सात सौ करोड़ शेयर्स के आसपास है राइट रिलायंस का मार्केट कैप आप में से किसी को पता है कितना है रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बिल्कुल सही जवाब राइट रफली सिक्सटीन लाख करोड़ के आसपास अभी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है राइट कहाँ से देख सकते हैं हम एन या फिर बी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां पर दिख जाएगा हमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है राइट एक बार मैं भी देख लेता हूँ क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो हाथों हाथ आत पता चल जाएगा ना अभी शेयर कितने का फायदे में हूँ या नुकसान में या गूगल फाइनेंस पर भी देख सकते हैं नो प्रॉब्लम आई थिंक पर पर भी आ आ जाता है है मार्केट मार्केट अरे वाह ये गया देखो कैपिटल नहीं नहीं आ नहीं पर शेयर चल रहा है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस एरिया में जूम करता हूँ तो आपको मार्केट कैप दिखता है नो yes. oh no, ये So, trillion means one lakh crore. Ha, वो भी सब समझेंगे क्या 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 होता 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 है 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 अभी के लिए direct information, trillion means one lakh crore. तो वही करोड़ जो आपने बताया सोलह लाख करोड़ चलता रहता है प्लस माइनस ओके okay. तो दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है आप गूगल फाइनेंस पर भी चेक कर सकते हो एन की वेबसाइट बी की वेबसाइट पर भी हम इसे चेक कर सकते हैं राइट इसमें भी आगे जाकर और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आएंगे टोटल मार्केट कैप फ्री फ्लोट मार्केट कैप वो वक्त आने पर हम सीखेंगे दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन का आपने मुझे फॉर्मूला बताया है मार्केट प्राइस कितनी चल रही है शेयर की मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय एन यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स ओके कई सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है कि रिलायंस का शेयर चल रहा है ट्वेंटी थ्री हंड्रेड रुपीज पर और सर हमारी कंट्री में एक और शेयर है एम आर एफ का सत्यानवे हजार रुपए का अब किसी लेमैन से पूछेंगे बड़ी कंपनी है एम आर एफ रिलायंस से कब इतनी बड़ी कंपनी होगी पता ही नहीं चला लेकिन अब आप समझे क्या कि मार्केट प्राइस से नहीं पता चलता कौन सी कंपनी बड़ी है

कम दिखेगा इज दैट क्लियर ओके दोस्तों यहां पर थोड़ी सी आप जगह छोड़ना रफली थ्री लाइन की स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि हम वापस इस कॉन्सेप्ट पर कम बैक करेंगे अभी थोड़ी सी ही देर में और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट दैट कॉन्सेप्टी रेशो पी वी रेशो नहीं कॉस्टिंग नहीं पढ़ रहे पी ई रेशियो राइट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो दोस्तों फॉर्मूला आप सभी को पता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस टू अर्निंग्स सो प्राइस बाय अर्निंग्स वेयर प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस एंड क्योंकि मार्केट प्राइस पर शेयर होती है इसलिए हम अर्निंग्स भी कौन सी लेंगे पर शेयर लेंगे राइट दोस्तों इस वाले रेशो पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं आखिर ये पीई रेशो क्या होता है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं है ना सपोज करें कि एक कंपनी है इन्फोसिस राइट right? और इन्फोसिस का अभी हम कुछ डमी नंबर्स ले लेते हैं सपोज करें कि इन्फोसिस के शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है फिफ्टीन हंड्रेड ना और इन्फोसिस का सपोज करें अर्निंग्स पर शेयर है फिफ्टी रुपीस ओके तो इस नाते इन्फोसिस का पीई ई रेशियो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कितना आ रहा है थर्टी टाइम्स ना ओके अब सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये जो पी रेशियो चलो हमने कैलकुलेट कर तो लिया इसका इंटरप्रिटेशन क्या है एक बेसिक लेवल का इंटरप्रिटेशन अभी हम देख रहे हैं एडवांस पे बहुत सारी डिटेल्स बेसिक इंटरप्रिटेशन ये है कि आज अगर मैं फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज दूंगा इन्फोसिस का शेयर खरीदने के लिए तो मैं इन्फोसिस का शेयर होल्डर बन जाऊंगा यानी अब जो उसकी कमाई होगी अर्निंग होगी पर शेयर वो कहीं ना कहीं मुझे बिलोंग करेगी राइट विच मीन्स आई एम पेइंग फिफ्टीन हंड्रेड रुपीस गेट अर्निंग ऑफ रुपीज फिफ्टी ऐसा ही होता है देखो कभी भी कमाई करनी है ना तो थोड़ा पैसा अभी आज की में लगाना पड़ता है हर बार तो आज आपको बैंक को कितने देने पड़ेंगे लाख रुपए देने पड़ेंगे सपोज तो आज थोड़ा बड़ा कैपिटलर तो इनकम मिलती चली जाती तो पीई रेशियो देखता है कि अर्निंग पाने के लिए अर्निंग कमाने के लिए आज उस अर्निंग का कितना गुना कितना टाइम्स आपको आज पे करना पड़ रहा है राइट तो अगर आपको इंफोसिस से हर साल कितने कमाने फिफ्टी रुपीज कमाने तो आज आपको उसका तीस गुना दाम देना पड़ेगा आज आप फिफ्टी हंड्रेड रुपीज करोगे इंफोसिस में तो आपको फिफ्टी 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 रुपीज की अर्निंग्स मिलती चली जाएगी तो पीई रेशियो का बेसिक मीनिंग होता है कि फॉर एवरी वन रुपी ऑफ अर्निंग एक रुपए की कमाई पाने के लिए आज उसका कितना गुना मुझे पे करना पड़ता है राइट right? कितना थर्टी टाइम्स राइट मिस्टर वॉरन बफे का दोस्तों ये फेवरेट रेशियो है प्राइस टू अर्निंग्स रेश उनका ऐसा कहना है उनकी ऐसी इन्वेस्टमेंट थेसिस है कि जब शेयर मार्केट क्रैश होता है तो शेयर्स की प्राइस कम हो जाती तब आपको वही कमाई क्योंकि यार कमाई तो वापस से कम बैक कर ही लेती जैसे आज मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स का प्राइस क्रैश होता है रेसेशन आता है प्राइस क्रैश होता है तो प्राइस भी गिरती है और अर्निंग्स भी लेकिन अर्निंग्स तो फिर से कम बैक कर ली थी एक या दो साल में क्योंकि रेसेशन दस साल तक तो चलता है नहीं रेसेशन एक या दो साल ज्यादा से कम ज्यादा कम तो लगाना चाहिए जिसका रेशो कम हो। इसके भी बहुत सारे डिटेल्स हैं अभी हम डिस्कस करेंगे बट बेसिक उनकी क्या थे जिससे उन्होंने लंबे समय में इतना सारा पैसा कमा लिया उन्होंने कहा ऐसी कंपनी चुनो जिसमें अर्निंग का आपको कम गुना आज देना पड़े सपोज करो कि एक कंपनी है जे जिसका की शेयर का प्राइस है कितना हंड्रेड वन थाउजेंड और उसकी अर्निंग कितनी है वाह पांच साल में पैसा वापस टू हंड्रेड रुपीज की अर्निंग है और थाउजेंड रुपीज का शेयर आज मैं जरूर थाउजेंड दूंगा लेकिन टू हंड्रेड टू हंड्रेड की कमाई में पांच साल में, में मेरा पे बैक आ जाएगा और फिर उसके बाद तो पैसा फ्री हो गया ना एक तरीके से राइट और अगर काश यही कंपनी मुझे थाउजेंड की जगह कितने पर मिल जाए और अच्छा 600 दिए तीन साल में पैसा वापस और उसके बाद फिर जिंदगी भर फ्री में कमाई राइट तो जितना प्राइस टू और अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट जितना प्राइस टू अर्निंग्स रेशो कम रहेगा उतना आप सेफ रहोगे क्योंकि आप उतना ओवर प्राइस नहीं पे किए हुए हो ठीक है अगर दोस्तों यही फिफ्टी रुपीज के ईपीएस पर आपने फिफ्टीन थाउजेंड का प्राइस पे करा तो भगवान बचाए आपको क्योंकि आप कितना गुना पे कर चुके हो तीन सौ गुना अडानी अडानी आपने तो सुना ही अडानी सागा अडानी के शेयर्स के पी रेशो पता है कितने हो गए थे तीन सौ चार सौ पान पाँच सौ ऐसा पी रेशो चल रहा है मतलब कमाई इतनी इतनी सी और मार्केट प्राइस कितना इतना बड़ा अब आप अगर इतने प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो भगवान ही बचाए आपको क्योंकि आप उतनी सी कमाई के लिए इतनी इतना गुना प्राइस दे रहे हो है ना हालांकि कभी कभी वो जस्टिफाइड होता है बट आई डोंट फील कि तीन सौ चार गुना कोई जस्टिफाइड नंबर होता है राइट तो दोस्तों आपने देखा ही होगा हाल ही में अडानी के शेयर्स कितनी बुरी तरीके से क्रैश हुए हैं राइट तो इतना क्रैश होने के बावजूद भी अभी उनके जो पी रेशियोज है वो अभी भी हंड्रेड से ऊपर चल रहे हैं मुझे चेक करने दो आ, मैं यहाँ पर एक शेयर चेक करता हूँ अडानी ग्रीन ना एक शेयर है अडानी ग्रीन देखते चलो अडानी ओके बुरे लगा। कल लगाओ पर सर्किट मतलब करते हो शेयर मार्केट में अडानी एंटरप्राइजेस अडानी एंटरप्राइजेस देख लेते हैं देख रहे हो आप ये मैंने वन ईयर का चार्ट यहाँ पर ओपन करा और वो कहाँ से देखो पहाड़ पे एकदम सीधे 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 नीचे आ गया इस पॉइंट पर जब शेयर था तो उसका प्राइस था रफली थर्टी सिक्स हंड्रेड या फिर फोर थाउजेंड के आसपास आपको नजर आ रहा हो प्राइस थर्टी सिक्स फोर है ना और कहाँ आ गया अभी करेंट प्राइस देखो वन थ्री सेवन वन और एक मिनट पीई रेशियो देखें जरा सेवनटी फाइव कब है अभी अभी अभी, अभी जब शेयर का प्राइस है थर्टीन हंड्रेड सोचिए जब फोर थाउजेंड था शेयर का प्राइस तो कितना होगा पीई रेशो तो जब आप हाई पी ई रेशियोज में इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क बहुत ज्यादा रिस्क बहुत ज्यादा होती है Is that clear? Right? क्योंकि आप खुद ही कॉमन सोचो ना कि जो कमाई है, उसका कुछ गुना ही तो इंसान देगा, right? और अगर आप चार चार तो यस मैंने, मैंने क्या वर्ड बोल दिया अदर थिंग्स सी कंपनी में पैसा लगाना पसंद करूंगा जिसके भी रेशोस हाई होंगे जिसके भी रेशियोज कम होंगे ताकि यार मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनेगा ना इज दैट क्लियर राइट ओके तो दोस्तों यहाँ पर पीई रेशो हमने देखा पीई रेशो बताता है कि अर्निंग का कितना गुना आज आप दाम पे कर रहे हो राइट अब दोस्तों कुछ डिटेल डिस्कशन हो जाए यहाँ पर पीई रेशो के बारे में हम 360 डिग्री डिस्कशन करने वाले हैं सपोज करो कि मुझे एक लोकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है एक लोकल आईटी कंपनी है और वो कह रही है कि सर हमें एक्सपेंशन के लिए फंड्स की जरूरत है और हम स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि जैसे ही हमने लिस्टिंग करवाई तो बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन हमारे ऊपर लगने लग जाती है अभी हम एज अ प्राइवेट कंपनी ही ग्रो करना चाहते हैं बट ग्रोथ करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत है बैंक से तो जितनी हमारी लिमिट थी हम उतना बोरो कर चुके बट बैंक भी एक सर्टन लेवल के बियॉन्ड आपको जब आपका डेट इक्विटी रेशियो एक लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर बैंक भी फंडिंग देना बंद कर देती अनलेस आप अडानी हो तो बैंक <laughs> तो बैंक आपको फंडिंग देना बंद कर देती है राइट तो फिर ऐसे केस में आपको अपना इक्विटी बेस स्ट्रोंग करना पड़ता है फंड रेज करके राइट तो ये लोकल कंपनी मेरे पास आई है इसका नाम है दोस्तों लोकल आईटी कंपनी मतलब इनका नाम ही क्या है लोकल आईटी कंपनी इन्होंने नाम रख दिया कंपनी का तो ये लोकल आईटी कंपनी अब हमारे पास आई है और कहती है कि हमारे शेयर में पैसा लगाई इनके शेयर शेयर बाजार में लिस्टेड तो है नहीं तो मार्केट प्राइस तो अवेलेबल नहीं है अब मुझे देखना है कि इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आखिर मैं कितना रुपया इन्हें क्योंकि मुझे कुछ रुपीज देने पड़ेंगे वो लोग मुझे शेयर अलॉट करेंगे राइट सबसे पहले मैंने उनसे पूछा आपका इनकम स्टेटमेंट में जो अर्निंग पर शेयर तो बताइए कि कितना है अर्निंग पर शेयर उन्होंने बताया कि सर हमारा अर्निंग पर शेयर है टेन रुपीस उन्होंने कहा हमारा अर्निंग पर शेयर कितना है टेन रुपीज़ अब मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैं इस कंपनी के शेयर के लिए कितना दाम दूँ मैं बोलूँ उससे पहले उस लोकल आईटी कंपनी के सीईओ ने ही बोल दिया सर इट इज इस वेरी सिंपल इन्फोसिस का पी रेशो कितना है थर्टी टाइम्स मतलब इन्फोसिस की कमाई का तीस गुना दाम लोग देने को तैयार है मेरी कंपनी की कमाई कितनी है टेन रुपीज राइट तो क्योंकि मेरी कंपनी की कमाई है दस रुपए तो उसका तीस गुना भाई वो भी आई टी कंपनी मैं भी आई टी कंपनी तो अगर मेरा अर्निंग पर शेयर टेन रुपीज है तो मेरे शेयर का मार्केट प्राइस आपको क्या लगाना चाहिए क्या आंकना चाहिए तीन सौ रुपए आंकना चाहिए Is that clear? क्योंकि वो भी आईटी कंपनी मैं भी आईटी कंपनी कम उसकी कमाई अगर चाहोगे तो तीस गुना दाम देना पड़ेगा मेरी कमाई का आप मुझे तीस गुना दाम दे दीजिए यानी मेरे शेयर का फेयर प्राइस कितना आ गया थ्री हंड्रेड रुपीज आप बताइए अगर आपके पास सपोज करो कि एक करोड़ रुपए रखे कहा पैसा लगाना पसंद करेंगे इन्फोसिस या लोकल आई कंपनी है ना आप बोलोगे आप आपका नाम क्या है पहले तो आप वो देखो यू आर अ लोकल आई टी कंपनी आपके कितने प्रोजेक्ट चलते हैं पांच सात प्रोजेक्ट चलते हैं और वो देखो वो कौन है इन्फोसिस कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स कितने सारे क्लाइंट्स कल को अगर यूएस में या यूरोप में रिसेशन आया और आपका एक भी क्लाइंट इधर उधर हो गया तो आपकी जो दस रुपए की अर्निंग दिख रही है सीधे ड्रॉप होकर फाइव रुपीज भी हो सकती है दो और आप तो लॉस में भी आ सकते हो लेकिन ये है इन्फोसिस ये एक स्टेबल कंपनी है राइट और बाकी सारी बातें छोड़ो अगर मुझे अर्निंग का तीस ही गुना देना है तो फिर मैं इंफोसिस की अर्निंग का तीस गुना दे दूंगा तो क्या लोकल आईटी कंपनी को वो प्राइस अर्निंग्स रेशियो मिलेगा जो एक ब्रांडेड रेप्यूटेड कंपनी को मिलता है नहीं क्योंकि यहां पर रिस्क ज्यादा है तो इसलिए हम यहां पर शायद थर्टी टाइम्स का पीई रेशियो उन्हें देने की बजाय शायद आई मीन जस्ट आई एम टेकिंग नंबर कि 20 टाइम्स हम फिर भी आपको देंगे मतलब अगर आप आपका शेयर हमें कितने में अलॉट करते हैं हाँ टू हंड्रेड रुपीज में अगर आप अलॉट करते हैं देन वी माइट बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग योर शेयर बट इफ यू आर आस्किंग थ्री हंड्रेड देन आई वुड बेटर इन्वेस्ट माई मनी इन राइट दोस्तों जब मैं सी ए बना था टू थाउजेंड फाइव में इंटरव्यू था मेरा मुंबई में कैंपस इंटरव्यू और कैंपस इंटरव्यू में मुझसे देखना क्या सवाल पूछा कैंपस इंटरव्यू में उन्होंने सवाल पूछा और ये रियल किस्सा है ना उन्होंने बोला मिस्टर प्रवीण देयर आर टू कंपनीज कंपनी ए कंपनी बी वन हैज अ पीई रेशियो ऑफ ट्वेंटी टाइम्स और अदर कंपनी हैज अ पीई रेशियो ऑफ फिफ्टीन टाइम्स Now tell me टेल मी वॉट नाउ टेल मी वाई इज देअर डिफरेंस एंड वॉट विल यू डू डिफरेंस क्यों आ रहा है और अब आप क्या करेंगे सो ट्वेंटी टाइम्स एक का P ratio रेशियो एक का कितना है 15 times। उन्होंने मुझसे बोला कि नाउ कमेंट बेसिकली उन्होंने ये इंटरव्यू क्या करते ज्यादा बोलते नहीं डेटा देते दे बोलते नाउ कमेंट अब जो आपके दिमाग में आ रहा है सब बोलो राइट right? उन्होंने बोला नाउ कमेंट आई said सर ट्वेंटी टाइम्स फर्स्ट कंपनी का पी रेशो इधर कितना है फिफ्टीन टाइम्स सो मैंने कहा मैं जस्टिफाई मैं करने लगा कि पहली कंपनी का आखिर पी रेशो ज्यादा है तो क्यों है तो मैंने सबसे पहले क्या बोला होगा सर द फर्स्ट कंपनी माइट बी एंजॉइंग गुड रेपुटेशन गुड ब्रांड नेम गुडविल होगी उनकी एंड दैट्स वाई दे आर कमांडिंग हायर पीई रेशियो बिकॉज अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट कंपनी विच एंजॉयज

फर्स्ट कंपनी माइट बी हैविंग गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स माइड बी हैविंग गुड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एंड दैट्स वाई इट इज कमांडिंग हायर पी रेशियो आप समझ रहे क्यों ऐसा क्योंकि अगर ग्रोथ किसी दोनों कंपनी की ब्रांड नेम अच्छी है पर एक कंपनी में मुझे ग्रोथ फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है तो जिसमें फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा आएगी उसका अर्निंग पर शेयर तेजी से ग्रो होगा एक बात बताना शेयर का प्राइस कंपनी के ग्रो होने के बाद ग्रो होता है या शेयर का प्राइस तो पहले ही ग्रो हो जाता है है ना शेयर का प्राइस बिल्कुल फोरकास्टिंग बेसिस पर चलता है और अगर लग रहा है कि कंपनी ग्रो करने वाली तो शेयर का भाव इंतजार नहीं करता वो आज ही बढ़ जाता है फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस को लेकर सो आई सेड द फर्स्ट कंपनी माइड बी हैविंग हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस एंड दैट्स वाई उसका शेयर खरीदने के लिए लोग ज़्यादा पे करने को तैयार है और क्योंकि उसका मार्केट प्राइस अब पुश अप हो चुका है दैट्स इट कमांडिंग हायर मैंने मैंने गलत बोला सही, बुला. सही बुला, e. said, Which means कि अगर पहली कंपनी भी 8% से ग्रो होने वाली तो दूसरी भी 8% ही परसेंट से ग्रो होने वाली दो हथियार चलाए मैंने दो तीर लगाए दोनों तीर उन्होंने कट कर दिया पहला तो बोला ब्रांड नेम सेम और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी सेम इंटरव्यू चल रहा बहुत ऐसा दिल की धड़कने तेज रहती कि यार अच्छा उनके दिमाग में क्या है वो क्या आंसर चाह रहे हैं तो मुझे भी नहीं मालूम है और पहले का भी रेशियो ट्वेंटी है और इसका फिफ्टीन है और बोल रहे कमेंट और मैंने बोला ब्रांड नेम अच्छी बोले नहीं बराबर है मैंने बोला ग्रोथ अच्छी बोले नहीं बराबर है तीसरा मैंने क्या बोला होगा मैंने बोला रिस्क सर जो फर्स्ट कंपनी है ना उसमें जो परसीव्ड रिस्क है परसीव्ड रिस्क का फील आना कि यार फर्स्ट कंपनी में ना सेफ है यार ये कंपनी राइट right? इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है दोस्तों जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफ करते हो और आप यस yes, बैंक में जाकर एफ कहां ज्यादा सेफ फील करोगे फिर भी मतलब कहां सेफ ज्यादा फील करोगे एस बी आई में एग्जाम्पल हाँ क्या एस बी आई में लाख रुपए लगाओगे तो एस बी आई वाला ब्याज कम देगा 1 ,00 रुपीज अगर अगर में में लगाएंगे लगाएंगे तो ही मिलेगा और अगर yes Bank में 1 ,00 रुपीज लगाएंगे, कितना एट थाउजेंड सपोज ज्यादा मिलेगा हाँ तो इनका जरा पीई रेशियो कैलकुलेट करो ना वहां पर वन लाख ,00 लगाने पड़ रहे हैं एस बी आई में सेवन की इनकम के लिए थर्टीन पॉइंट कुछ और इधर वन लाख रुपीज लगाकर कितनी ज्यादा इनकम मिल रही तो क्योंकि डिनोमिनेटर यहां बड़ा है तो यहां ही -E रेशो कम आ जाएगा ना अच्छा यस बैंक को एस से तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा अर्निंग ज्यादा देनी पड़ेगी इज दैट क्लियर कर्निंग जैसी बढ़ गई तो पीई -E रेशो यस बैंक का कम आया ना एक तरीके से है ना तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो चीजें सेफ होती है उस पर आप कम अर्निंग में भी सेटिस्फाई हो जाते हो यार चलो मेरा पैसा सेव है राइट जैसे इसका मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूं एक स्टॉक है दोस्तों आई आर एफ सी चांस आपने सुना हो आई आर एफ सी इंडियन रेलवे राइट ओके तो इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन में आपका अगर आपने पैसा लगाया तो डूब जाएगा या फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा सेफ रहेगा राइट तो दोस्तों आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का यहां पर हम पी -E रेशियो देखते हैं कितना है फाइव टाइम्स इज दैट क्लियर राइट तो यहां पर हमने देखा कि यार ये कंपनी सेफ है ना तो फिर हम इस पर थोड़ा सा ज्यादा प्राइस भी दे देंगे तो चलेगा है ना अभी आप पूछ रहे होंगे फिर आई का पी -E रेशियो इतना कम क्यों शायद इसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स उतने नहीं होंगे गुडविल ब्रांड नेम रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है आई आर एफ सी की क्योंकि ये सीधे किसको फाइनेंस करती है इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है राइट लेकिन इसका भी रेशियो कम होने के दूसरे रीजन हो सकते हैं जिस पर अभी हम आने वाले हैं राइट तो हाँ पर मैं क्या डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्यों ज्यादा है क्योंकि इसमें परसीव्ड रिस्क कम है ना इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है क्या हुआ अपना फर्स्ट लेक्चर है मैंने आपसे जाते जाते बोला कि बच्चों एक स्कीम है मेरे पास आज आप मुझे हंड्रेड रुपीज दो मैं आपको दस रुपए आज आप मुझे हंड्रेड रुपीज दो मैं आपको टेन रुपीज हर साल दूंगा दूंगा देता ही चला जाऊंगा राइट आपने बोला यार बढ़िया हंड्रेड रुपीज़ की प्राइस सर आज ले रहे हैं और उसके बदले में अर्निंग कितनी देते जाएंगे टेन यानी पीई रेशू कितना बन रहा है टेन ही हमारी बैच छूटी आप इस बिल्डिंग से नीचे उतरे रास्ते चलते किसी भाई साहब ने आपको रोका भाई साहब वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आप आप उसके लिए वो आपके लिए अनजान भाई साहब एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आज आप मुझे हंड्रेड रुपीज देंगे तो मैं आपको टेन रुपीज दूंगा सपोज करो करोगी हंड्रेड रुपीज अब आप या तो आपको उसको देने या फिर मुझे देने आप किसको दोगे देखा नाम मत खराब करना तो आ, आप मुझे ही दोगे थोड़ा तो दो भरोसा है हाँ तो वो जो सामने वाला बंदा है ना वो अगर हंड्रेड मांग कर आपको टेन ही देगा तो आप बोलोगे फिर इससे तो प्रवीण सर ही अच्छे कम से कम भरोसा तो है उस बंदे को क्या करना पड़ेगा टेन की जगह थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको रिस्क ज्यादा है तो आप बोलेंगे बॉस हंड्रेड देकर हम टेन कमाने तो उधर ही चले जाएंगे हंड्रेड देकर इलेवन दो या हंड्रेड देकर ट्वेल्व दो तो हंड्रेड अपॉन ट्वेल्व कितना होता है कुछ एट पॉइंट थ्री थ्री ऐसा कुछ आता है तो जहां रिस्क ज्यादा होती उस रिस्क है उस बंदे में रिस्क ज्यादा है उस बंदे में क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो उसका पीई रेशो कम आ जाएगा इज दैट क्लियर तो जहां रिस्क ज्यादा होती है वहां पर पीई रेशो कम आ जाते हैं हमारे देश में कुछ ऐसी कंपनी है जिसको बहुत ही सेफ माना जाता है जैसे हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप डेली बेसिस पर यूज करते होंगे पॉन्च पाउडर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड डव सोप आ गया पेयर्स आ गया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड तो ऐसे तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्टेबल है इनका कंजम्पशन कभी कम नहीं होता तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक तरीके से सेफ से कंपनी और सेफ कंपनी तो उसका पी रेशो ज्यादा होगा पता है आप में से किसी को कि एच का पी रेशो लगभग कितना है सिक्सटी टाइम्स के आसपास अरे वाह फिर तो आपको बहुत मजा आएगा ये चीज देखने में हिंदुस्तान यूनिलेवर लिमिटेड का आप पीई /E रेशो देखिए आप देखकर चौंक जाएंगे कि कितना पीई /E रेशो है कितना पीई /E रेशो दिख है फिफ्टी एट पॉइंट सेवन एट रफली सिक्सटी टाइम्स नेस्ले का पीई /E रेशो आप देखिए नेस्ले का पीई रेशो तो इससे भी बहुत आगे और एक नेस्ले इंडिया कितना पी रेशो सेवेंटी फाइव टाइम्स डिमार्ट आपने सुना हुआ है ये सारे कैसे बिजनेसेस से? है सेफ बिजनेस से. है रेसेशन भी आया तो इन पर कोई आंच नहीं आती ओ नाइन टाइटम्स एशियन पेंट्स यही लगभग नब्बे सौ ऐसे पी रेशो चलते यानी एक रुपए की कमाई के लिए सौ रुपये आज देने पड़ रहे हैं एक रुपए की कमाई के लिए कितने देने पड़ रहे हैं सौ रुपए, सेफ्टी की कीमत है क्योंकि हिंदुस्तान यूनिवर कितना भी recession आ जाए आपको जो उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने हैं वो करने और प्राइजिंग पावर है अगर आप डव सूप यूज़ करते हैं पेयर्स यूज करते हैं उन्होंने पाँच रुपये प्राइस बढ़ा भी देना साबुन चेंज नहीं कर लोगे आप तो वो कैसे स्टिकी बिजनेस है कि आप अगर वो कर रहे हो यूज तो आपको जैसे नेस्ले मैगी चलता ही चलता है और ना टेस्ट ही ऐसा डेवलप करा कि हर किसी को पसंद आता है तो ऐसे ये जैसे ही मैंने पेंट्स वर्ड बोला आपके दिमाग में पहला ही नाम क्या क्लिक हुआ राइट तो वो ब्रांड नेम है गुडविल है और सेफ है जिसकी वजह से उनके प्राइस अर्निंग रेशो इतने ऊपर चलते हैं इज न क्लियर तो तीसरा जो मैंने उधर इंटरव्यू में जवाब दिया वो मैंने क्या कहा सर द कम नी बच इज है इन्वेस्टर्स एंड दट्स वाई दे आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम प्राइज अर प्राइस टू अर्निंग्स रेशो He said, Praveen, both the companies have same perceived risk level. सेट प्रवीण बोथ कंपनी एक मिनट और ब्रांडेम भी आप बोल रहे दोनों की सेम है फिर मैंने बोला रिस्क तो आपने बोला कि रिस्क भी दोनों की सेम है ये तो का सवाल था अभी तो आपके उस पर भी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट बट उस वक्त तो बहुत कम प्लेटफॉर्म होते थे जॉब के सर द फर्स्ट कंपनी माइड बी अ लार्ज कंपनी विच इज वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी क्योंकि जब वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी होगी तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी रखेगी और ज्यादा स्टेबिलिटी की कीमत होती है फ्लक्चुएशन में रिस्क ज्यादा लगती है और स्टेबिलिटी की कीमत होती है तो अ लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनी हैविंग अ स्ट्रांग बेस एंड दैट्स व्हाई पीपल आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस फॉर इट्स शेयर एंड दैट्स वाई हायर पीई रेशो सेड बोथ कंपनीज आर इक्वली डाइवर्सिफाइड महंगा बहुत हो गया Uh, क्या 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 गुडविल रेपुटेशन ब्रांड नेम सेम बोल रहे हो ग्रोथ सेम बोल रहे हो इधर परसीव्ड रिस्क आप सेम बोल रहे हो बोल रहे हो दोनों का स्केल ऑफ ऑपरेशन भी सेम है देखो जैसे Infosys, Infosys का स्केल ऑफ ऑपरेशन थोड़ा बड़ा है डाइवर्सिफाइड है तो स्टेबल है तो हम बोलेंगे ठीक यार सेफ्टी फील है राइट मैंने कहा अभी ये बहुत क्या मैंने कहा अब मैं अगर कुछ भी बोलने वाले हूँ न कोई भी डिफरेंस बोल दिया ना सामने वाला बंदा क्या बोलने वाला है प्रवीण इट्स सेम राइट मैंने बोला अब ये वाला हथियार नहीं चलेगा मैंने बोले मैंने बोला इफ एवरीथिंग इज सेम बिटवीन दिस टू कंपनीज देन द फर्स्ट कंपनी इज ओवर वैल्यूड एंड सेकेंड कंपनी इज अंडर वैल्यूड सब सेम है ना तो ये टेन रुपीज की कमाई दे रही है और ये भी टेन रुपीज की कमाई दे रही है तो इस टेन रुपीज की कमाई का मुझे ट्वेंटी टाइम्स यानी टू हंड्रेड देना पड़ रहा है और इस रुपीस की कमाई के मुझे फिफ्टीन टाइम्स यानी देना पड़ रहा है जब की की कमाई की क्वालिटी सेम है दोनों उसी दस रुपए की कमाई के लिए बीस गुना टू हंड्रेड रुपीज क्यू दूंगा वो ओवर वैल्यूड है ये अंडर वैल्यूड राइट तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट वह कंपनीज जिनका प्राइस अर्निंग्स रेशियो कम होता है अंडर वैल्यूड होती ऐसी कंपनी में हमें पैसा लगा लेना चाहिए हाँ। हाँ, लेकिन हायर पी रेशो भी जस्टिफाइड होता है बट डिफरेंस दिखना चाहिए जैसे हिंदुस्तानी लेवर में डिफरेंस दिखेगा तो उसका हम थोड़ा हायर पी रेशो भी देने को तैयार हो जाएंगे डीमार्ट का पी रेशो इसलिए ज्यादा क्योंकि उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है

एवरेज है और गुडविल ब्रांड नहीं है सारी चीजें एवरेज है तो फिर ज्यादा पीई रेशो जस्टिफाइड नहीं फिर तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड इज दैट क्लियर बातें समझ में आई आपको पीई रेशो -E के बारे में कुछ कोई सवाल है आपके मन में पीई रेशो -E से रिलेटेड तो पूछिए चलिए दोस्तों तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर पीई रेशो से रिलेटेड सारी की सारी चीजें है Explanation of PE ratio A company having goodwill, brand name. रेप्यूटेशन एंजॉयस हायर पी रेशू ठीक है और इसीलिए प्रैक्टिकली अपना गुडविल अपना ब्रांड नेम और शेयर मार्केट में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए कंपनियां क्योंकि जब उनकी रेपुटेशन रहेगी तभी उन्हें पी ई रेशो ज़्यादा मिलेगा और पीई रेशो ज़्यादा मिलेगा मतलब प्राइस उनकी बढ़ी हुई रहेगी तो इसलिए कंपनीज इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहती क्योंकि एक बार इन्वेस्टर के साथ आपने विश्वासघात किया तो आपके पीई रेशो -E परमानेंटली नीचे आ जाते हैं इसका एक एग्जाम्पल है औरबिंदो फार्मा औरबिंदो फार्मा ने आज से एक साल पहले एक अनाउंसमेंट करा कि हम एक कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं और उस कंपनी को अक्वायर करने के लिए हम 550 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं एकदम से उनके शेयर का प्राइस 10 से 15 परसेंट क्रैश हो गया क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इस पर रेड फ्लैग रेस करा कि वो जो कंपनी जिसको आप एक्वायर कर रहे हो एक तो वो आपकी रिलेटेड पार्टी वाली कंपनी है और ये जो आप प्राइस पे कर रहे हो ये ज्यादा है तो बाद में उन्होंने हालांकि डील कॉल ऑफ कर ली लेकिन इन्वेस्टर्स को तो लगा ना कि यार ये इनके इंटेंशन आखिर वो नजर आ गए तो अब औरबिंदो फार्मा का पी रेशो परमानेंटली कम चलता है क्योंकि फिर यार कौन ऐसे रिस्की कंपनी में जहाँ पर हमें विश्वास ही नहीं है ज्यादा प्राइस आखिर कौन पे करेगा तो यू हैव टू मेनटेन इन्वेस्टर ट्रस्ट ताकि आपका पीई -E रेश जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ या फिर टाटाज हुए या फिर मारुति सुजुकी हुआ या नेस्ले हुआ ये लोग कभी ऐसा ऐसा कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कभी गलत काम नहीं करते क्योंकि वो एक बार किया कि परमानेंटली आपके पी ई -E रेशोज नीचे आ जाते मतलब फिर अच्छा वैल्यूएशन आपकी कंपनी को नहीं मिलता है दैट क्लियर ओके दोस्तों ये तो मैंने पहला जवाब दिया था दूसरा मैंने क्या जवाब दिया था ग्रोथ का है ना अ कंपनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट is हाई विल हैव हायर पी ई रेश चाहें तो आप एग्जाम्पल भी लिखते जाए जैसे फर्स्ट में हमने एग्जाम्पल देख लिया नेस्ले या फिर हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड गुडविल ब्रांड नेम रेपुटेशन सब बढ़िया है राइट right? या फिर हायर ग्रोथ रेट का मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ डी मार्ट क्योंकि अभी तो कई सारे ऐसे शहर है जहाँ पर अभी भी डी मार्ट के स्टोर ओपन होने बाकी है या हमारे शहर में अगर एक साइड में से वेस्ट साइड में ओपन हो गया तो अभी ईस्ट साइड में नॉर्थ साउथ ऐसा बहुत सारा स्कोप अभी ग्रोथ का उसमें बाकी इज दैट क्लियर तो इसलिए उनके शेयर की प्राइस अभी से ही ज्यादा हो जाती है क्योंकि फ्यूचर में ग्रोथ ज्यादा होने वाली तीसरा मैंने क्या बोला था कंपनी हुज परसीव्ड रिस्क यानी इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं कि कितनी रिस्क है राइट हुज परसीव्ड रिस्क लेवल इज लो हायर पीई रेशो जिसमें ऐसा लगे यार इसमें तो कुछ खास रिस्क ही नहीं है इस बिजनेस में तो फिर इस बिजनेस में जिसमें कुछ खास रिस्क ही नहीं है तो ऐसे बिजनेस के पीई e. ज़्यादा चलते हैं और अगेन इसके बिजनेस का एग्जाम्पल है एफ एम सी जी कंपनी क्योंकि रिसेशन आ जाए चाहे डिप्रेशन आ जाए एफ कंपनीज जो हैं उनका प्रोडक्ट चलता ही रहता है या फिर इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है सपोज करो ब्रिटानिया ब्रिटानिया का भी पी रेशो -E अच्छा खासा ही चलता है मतलब पचास गुना सत्तर गुना 70 एटी टाइम्स क्योंकि क्या रहता है कि बिस्किट्स बनाने वाली कंपनी है क्या है दो दो कंपनीज हैं मेनली पार्ले और ब्रिटान जिसमें पार्ले लिस्टेड नहीं है ले देकर एक ही ऑप्शन है अगर पैसा लगाना है तो ब्रिटानिया राइट right? अच्छा ब्रिटानिया के जो बिस्किट्स है इतने समय से, चली से चले आ रहे हैं अपने बचपन से चले आ रहे हैं राइट तो और चलते ही चले जाएंगे बढ़िया क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है राइट right? तो ऐसे केसेस में ऐसी कंपनी का जो रिस्क लेवल रहता है वो लो रहता है क्योंकि रेसेशन आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए बिस्किट्स का जो कंजम्पन है वो मोर और लेस सेम ही रहता है राइट right? तो ऐसे बिजनेसेस जिसमें रिस्क कम है वहां पर पी रेशो ज्यादा चलते हैं राइट फिर इसके बाद एक और मैंने क्या बोल दिया था वहां पर वेल डाइवर्सिफाइड लार्ज इनके पी थोड़े ऊपर साइड पे ही चलते हैं क्योंकि बहुत सेफ रहती कंपनीज वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD में आप थोड़ा कम ब्याज में भी संतुष्ट हो जाओगे कम अर्निंग में भी आप पूरा पैसा दो दोगे और यस yes, बैंक में एफ डी करोगे तो आप बोलोगे थोड़ी ज्यादा चाहिए अर्निंग राइट वेस सो अ कंपनी इसको ऐसा लिखते हैं अ वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी इंग बिजनेस एक्ट लार्ज स्केल विल जनरली हैव हायर पीई रेश क्योंकि क्या रहता है बड़ी कंपनियों के डूबने के चांसेस कम होते हैं

कम गिरती है इज दैट क्योंकि वो बड़े स्केल पर काम कर रही ठीक है और फिर जब मैंने इतनी सारी बातें इंटरव्यूअर को बोल दी और मैं समझ गया कि बंदा अब मैं कुछ भी बोल दूंगा तो वो बोलेगा सब सेम तो मैंने क्या बोला अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट अ कंपनी हैविंग लोअर पी ई रेशियो अ कंपनी हैविंग लोअर पी ई रेशियो इज मैंने क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर ली थी अंडर वैल्यूड एंड अ कंपनी हैविंग हायर पीई रेशो इज Overvalued. भाई सारी चीजें अगर सेम है तो फिर मैं उसी चीज के लिए ज्यादा गुना प्राइस जब वही चीज कम दामों में मिले तो कोई यही ले वो क्यों ले राइट वैसी बात आ जाती तो मिस्टर वॉरेन बफे क्या कहते हैं स्टेबल कंपनी देखो बढ़िया कंपनी देखो गुडविल रेपुटेशन देखो पर सस्ती देखो और मिल जाती कंपनियां सस्ते में जब कोविड का क्रैश हुआ था ना टू थाउजेंड ट्वेंटी कितने सस्ते में मिल रहे थे शेयर्स

कंपनीज बढ़िया है ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बट प्रॉब्लम यह कि वैल्युएशन स्काय रॉकेट हो गए थे अडानी में ऐसा नहीं कि बिजनेस में प्रॉब्लम है अडानी के बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं बिजनेसेस हैं बट वैल्यूएशन कितना ऊपर चला गया राइट right? तो पी रेशोज -E उनके आसमान छू गए सारी कंपनी तीन तीन सौ चार चार सौ पांच पांच सौ राइट तो ऐसे केस में अब हमें हाथ नहीं डालना चाहिए वी हैव टू स्टे एट द शोर हमें किनारे बैठना चाहिए कि ठीक है राइट सो यू हैव टू लुक फॉर रीजनेबल जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको एक आईआरएफसी का स्टॉक दिखाया था राइट right? आईआरएफसी का बिजनेस आप जानते हैं क्या है ये बेसिकली बाहर से फंड रेस करता है और इंडियन रेलवे को देता है दैट्स सेट बाहर से फंड रेस करता है सिक्स परसेंट पर और इंडियन रेलवे को दे देता है सिक्स पॉइंट फोर परसेंट इंडियन रेलवे की जरूरत होती है ट्रैक्स के लिए लोकोमोटिव के लिए और वो सारी चीजों के लिए इंडियन रेलवे को पैसा लगता है एक्सपेंशन करना है नई नई ट्रेन बंदे भारत ला नहीं रहे बिजनेस मॉडल कंप्लीटली सेफ है क्यों कंप्लीटली क्योंकि आप किसको फाइनेंस कर रहे हो इंडियन रेलवे हंड्रेड परसेंट इनका एक ही क्लाइंट है कौन इंडियन रेलवे। मतलब ये इंडियन रेलवे की डेडिकेटेड आर्म है कि इंडियन रेलवे को फंड चाहिए वो इनको बोलेंगे बॉन्ड इश्यू करेंगे बाजार में सिक्स परसेंट पर फंड रेस करेंगे और सिक्स पॉइंट फोर परसेंट पर दे देंगे तो बिजनेस मॉडल सेफ है ये बिजनेस मॉडल सेफ है इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले देखना पड़ता है बिजनेस मॉडल कितना सेफ है कॉम्पिटेटिव रिस्क ना के बराबर है कॉम्पिटेटिव रिस्क ना के बराबर इसलिए क्योंकि जब कोई दूसरी कंपनी बाहर बाजार से पैसा रेस करेगी तो उसको हायर कॉस्ट मिलेगा जब आई बाजार से पैसा रेज करता है ना तो वो बोलता है मैं किसको फंड करने वाला हूँ आपको पता है ना इंडियन रेलवेज और इंडियन रेलवेज किसका गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है क्या कभी इंडियन रेलवेज पैसा डुबाएगी कभी भी नहीं डुबाएगी तो आई का एनपीए जीरो परसेंट है नॉन परफॉर्मिंग ऐसे क्योंकि नॉन होना ही नहीं ना कभी नॉन परफॉर्मिंग जीरो परसेंट है ना इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट राइट बैंक्स तो फिर भी लोन देती है तो बैंक के तो लोन आईआरएफसी का तो लोन ही नहीं डूबता तो कितना model, right? बड़े पर भी है, है किसको दे रखा है इंडियन रेलवे तो मेरे क्या क्या पैरामीटर हो गए गुडविल ब्रांड नेम रेपुटेशन बढ़िया है ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट भी अच्छे हैं फिर परसिव रिस्क लेवल काफी मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मैं तो मानता हूं कि ये शेयर ही रिस्क फ्री है मतलब वैसे स्टॉक मार्केट में रिस्क होती है बट काइंड ऑफ जो उनका बिजनेस है वो तो रिस्क फ्री के जैसा बिजनेस है ना और बड़े स्केल पर भी है तो फिर कायदे से तो इनका पी रेशू जितना चल रहा है उतना होना चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए जितना अभी चल रहा है उतना होना चाहिए थोड़ा ज्यादा गुना भी हम दा, दाम पे करने को तैयार हो जाएंगे ज्यादा गुना भी दाम पे करने को तैयार हो जाएंगे तो यहां पर मैंने जब आई आर एफ सी यहां पर टाइप करा तो आई आर एफ सी का पी रेशो कितना चलता हुआ नजर आ रहा है एक मिनट आए नहीं अभी तो आपको याद है कितना था उसका पी रेशो फाइव के अराउंड था तो पता है मैं क्या मानता हूं कि अगर मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया तो मुझे एक रुपए की कमाई के लिए कितना गुना देना है साढ़े पाँच गुना फाइव पॉइंट फाइव टाइम्स और बिजनेस में ग्रोथ भी है यानी आज जो वन रुपी का सपोज ईपीएस है और मुझे फाइव पॉइंट फाइव रुपीज़ प्राइस पे करनी है तो आगे जाकर वन रुप का थोड़ी ना रहेगा अर्निंग पर शेयर तो धीरे धीरे थोड़ा ग्रो करेगा मतलब मेरा पैसा जो वापस आ जाएगा वो फाइव ईयर्स के अंदर अंदर वापस आ जाएगा अर्निंग्स के फॉर्म में

म्यूचुअल फंड्स के पास है यानी जो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है वो कम है अब मार्केट में अगर शेयर्स अवेलेबल कम होंगे अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे तो शेयर का प्राइस क्योंकि यार जिस चीज की स्कैरसिटी होगी और कल को लोग दौड़ पड़ेगी यार मुझे खरीदना है तो फिर तो नंबर ऑफ़ शेयर्स तो लिमिटेड क्योंकि मेन शेयर share, बड़ा शेयर होल्डर कौन है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद है यहाँ पर शेयर होल्डर राइट तो यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया मुझे ऐसे प्लस होते हुए लग रहे हैं दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मैंने खुद ने आई का शेयर अभी करीब छः एक महीने पहले खरीदा था और यहाँ पर मैंने खरीदा था ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के आसपास खरीदा था मतलब मेरे खरीदने का स्टाइल क्या रहता है मैंने एक आइडेंटिफाई कर लिया शेयर दैट्स एन अपॉर्चुनिटी तो मैं अपना एक टोटल बजट बना लेता हूँ बजट सपोज मुझे एक लाख शेयर ख़रीदने हैं है ना इस कंपनी के ओवरऑल तो मैं क्या करूंगा टेन टेन थाउजेंड करके या ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करके दो तीन चार चंक में शेयर्स उठाऊंगा राइट तो मैंने सबसे पहली जो बाइंग करी थी वो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के बीच में करी थी फिर उसके बाद ट्वेंटी टू के आसपास करी और यहाँ पर भी मैंने एक बाइंग करी थी नाइन्टीन से ट्वेंटी के बीच में और मैं कुछ ही शेयर्स मतलब मैं वन लाख तक तो नहीं पहुँचा बट तो मैं पचास हज़ार शेयर्स तक पहुँच गया मैंने इसके फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स खरीद लिए मेरा और एक्सपेक्टेशन था काशी और गिर जाए मुझे इतना सही लग रहा था ना इन्वेस्टमेंट करने के बाद शेयर गिर रहा है इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि और गिर जाए मैं आई एक्सपेक्टिंग यार सोलह सत्रह रुपये आ जाए ना बॉस अन फिफ्टी थाउजेंड शेयर खरीद कर अपन कोटा पूरा करेंगे लेकिन मैं खरीदता उससे पहले एकदम से शेयर का प्राइस कुछ ही समय में शूट अप होकर देखो कितना पहुंच गया था थर्टी फाइव थर्टी सिक्स के आसपास पहुंच गया राइट तब जाकर लोगों को पता चला अच्छा अच्छा आई एक शेयर है जैसे आप में से जो बाजार में ट्रेड करते हैं जिन्होंने करा होगा उनको पता चला होगी खबरें आई थी राइट कि एकदम से आई का शेयर और तब तक मैं ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट करके बैठा था 22 मेरी एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग है और वो कितना पहुंच गया था 36 सिक्स सर आपने बेच नहीं बेचा मैंने क्योंकि जो मेरा इंटरनल टारगेट है वो तो थो थोड़ा और ज्यादा तो सर फिर उसके बाद तो गिर गया तो इन्वेस्टमेंट्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं लेकिन अगर आपने इस शेयर को प्री मैचोरली सेल कर दिया तो मतलब देखो रोटी सीखती तो पूरी सीखनी चाहिए तो है ना तो अभी क्या हुआ है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया आई एम वेटिंग की आ रही है थोड़ा सा और आ जाए ना जो बची हुई ख्वाहिश थी कि और शेयर्स लेने वो पूरी हो जाएगी डिस्क्लेमर है दोस्तों में ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है आप मेरी ओपिनियन पर शेयर ना खरीदें आपको नुकसान हो सकता है ये नियम व जोख नियम व जोखिम घटकों के अधिनियम <laughs> तो दोस्तों वो इस तरीके से हमें शेयर मार्केट में काम करना चाहिए मेरी आपको पर्सनल राय ये रहेगी आप ट्रेडिंग ना करें उसकी बजाय आप इन्वेस्टिंग करें जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं वो पता है क्या गलती करते हैं इन्वेस्टिंग नहीं करते ट्रेडिंग करते जबकि ट्रेडिंग ज्यादा रिस्की और उसमें बहुत एक्सपीरियंस लगता है ट्रेडिंग में दो चीजें लगती जो दोनों ही आपके पास नहीं होती पहला तो एक्सपीरियंस लगता है ट्रेडिंग में परफेक्शन बहुत टाइमिंग चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए आप रियलाइज करते होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं दूसरी चीज़ कैपिटल बड़ी चाहिए ट्रेडिंग करने क्योंकि बड़ी कैपिटल पर ही इतना वर्थ है कि आप अपना पूरा दिन भर उस पर डेडिकेट करें जो दोनों ही चीज़ हमारे पास एज ए स्टूडेंट नहीं होती है तो मैं यहाँ पर आपको एक खास टिप ये देना चाह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग में ना जाएं मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिर आकर मुझे बताते भी हैं जैसे एक स्टूडेंट है उसने बताया है कि मुझे स्टूडेंट था मतलब 2012 में था उसने बताया सर 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है रियल नंबर बोल रहा हूँ मैं 50 लैक्स का नुकसान हुआ वो 2012 में मुझसे बड़ा था और उसने ना खुद की प्रैक्टिस शुरू करी और ख़ुद की प्रैक्टिस शुरू करने के बाद उसने साइड बाय साइड ट्रेडिंग टर्मिनल पर भी बैठना चालू कर दिया और ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने लगा सर शुरू में तो बहुत फ़ायदा हुआ बट मैंने जब कोविड का क्रैश आया ना तो मैंने रिलायंस का शेयर शॉर्ट कर दिया ख़रीदा नहीं रिलायंस का शेयर बेच दिया और कोविड के क्रैश में जब शेयर के भाव बढ़ने शुरू हुए ना तो सबसे पहला शेयर बढ़ने में रिलायंस ही था मतलब सबसे ज्यादा ही रिलायंस ने ही मार्केट को ऊपर खींचा था उसको अकेले रिलायंस के अंदर पचास लाख रुपए का नुकसान हुआ एक बात बताऊं कसिनोज आपने सुना होगा ना कसीनो में जब आप कसीनो में खेलने जाते हो जाते तो नहीं हो तो कसीनो में जब आप खेलने जाते हो तो कौन जीतता है आप जीतते हो या हाउस यानी कसीनो वाला खुद जीतता है कसीनो वाला ही जीतता है उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है मैं आज आपको बता रहा सपोज करो कि आप गए कसीनो और आपने दाव लगाया सपोज था रुपीज का दाव लगाया दो बातें होंगी या तो आप हारोगे या फिर आप जीतोगे okay. सपोज करो आप हार गए तो, तो वही जीता सपोज करो आप जीत गए तो आपके थाउजेंड रुपीज बन जाएंगे टू थाउजेंड अगले संडे आपका मन मानेगा क्या क्या करोगे आप नेक्स्ट संडे वापस कितने लेकर जाओगे या से ही खेलोगे यार लक चल रहा है तो चलना चाहिए लेकर गए या तो वो टू थाउजेंड डूब जाएंगे या फिर वो डबल हो जाएंगे सपोज करो डबल हो गए कितने हो गए फोर थाउजेंड हो से। अगले संडे मन मानेगा क्या क्या करोगे आप रिपीट करोगे ना यार जब तक आपको सफलता हाथ लग रही है आप मानोगे क्या नहीं कब तक जीतोगे आप कब तक जीतोगे आप एक दिन तो वो जीतेगा और क्या होता है यही कहानी एक ट्रेडर की होती है जब वो पैसा कमाना शुरू करता है कमाता जाता है कमाता जाता है कमाता जाता है कमाता जाते कमाता, कमाता जाता है लेकिन एक गलत ट्रेड में उसकी सारी कमाई साफ हो जाती है राइट right? तो इसलिए ट्रेडिंग बहुत रिस्की है आप जो ट्रेडिंग करते हो ना एज एन इंडिविजुअल वो आपको आइडियली नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके पास टूल्स ही नहीं है जो एक ट्रेडर को टूल सेट लगता है सपोज करो कि वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो फंड लेकर बैठा है हाईली पेड एनालिस्ट और ट्रेडर्स लेकर बैठा है उसके पास अल्गोरिथम्स हैं सॉफ्टवेयर हैं उसके पास सारे टूल्स एंड रिसोर्सेज है अगर उसकी पोजीशन नुकसान में भी आई तो उसके पास इतना पैसा है कि वो आखिरी दिन दाव पलट आप इसमें इस से कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आप हमेशा कब तक जीतोगे आप पैसा तो उसी से ही निकाल रहे हो ना आप खरीद रहे हो मतलब वो बेच रहे हैं या आप बेच रहे हैं मतलब वो खरीद रहे हैं लार्ज फंड हाउस आप उसे जीत पाओगे क्या नेक्स्ट इम्पॉसिबल, राइट तो आप अगर छोटे 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 कमाता भी गए ना तो कसीनों में कभी भी कोई कमाकर बाहर नहीं निकला क्योंकि जो कमाकर बाहर निकला वो फिर से अंदर गया है तो यही कहानी एक ट्रेडर की होती है वो कमाता है तो वापस से उस पैसे को अंदर रखता है वो कमाता है तो वापस से उस पैसे को अंदर रखता है और एक दिन वो सारा का सारा ट्रेड नुकसान में चला जाता है तो आपको हो सकता है कि कोई बोले ट्रेडिंग करो और इतने अमीर बन जाएंगे सो ऑन बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर हजार लोग ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ दस ही लोग सफल होते हैं नौ सौ नब्बे लॉस खाते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी कम है इससे तो सी एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आपको आइडियली ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए नहीं तो आप करियर में भटक जाओगे आपको सीए की पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और साइड बाय साइड आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी क्योंकि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर आपने अपने फंड्स इन्वेस्ट नहीं करे तो उनकी परचेसिंग पावर कम होती चली जाएगी इज दैट क्लियर दोस्तों ये यह हमने यहां पर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के साथ हमने यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे उन बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले ईपीएस देखा डिफरेंट परसेंटेज डिफरेंट पे आउट रेशियो डिफरेंट ईल्ड परसेंटेज देखा फिर उसके बाद हमने रिटेंशन रेशियो देखा फिर हमने अर्निंग्स ईल्ड परसेंटेज देखा इसके बाद हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा और इसके बाद हमने प्राइस अर्निंग्स रेशियो के बारे में डिटेल में समझा एक छोटी सी बात और करेंगे और फिर इसके बाद दोस्तों आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे वो ये है कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां लिखा हुआ है ना इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्म्यूला है आंसर सेम आएगा फॉर्म्यूला है मल्टीप्लाइड बाय बाईस ये पहली बार ही सुन रहे होंगे आप फॉर्मूला ये तो आपने मुझे बताया था ये मैंने आपको बताया पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ये भी एक फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन और अपने सिलेबस में एक्चुअली ये फॉर्मूला ज्यादा काम में आने वाला है वो डेटा ही ऐसा देंगे कि यही फॉर्मूला चलेगा हाँ जी क्या सोच रहे हैं आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया तो बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है दोस्तों ये फॉर्मूला अगर मैं मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दू किससे और नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दू किससे मतलब सरल शब्दों में मैंने आपका यही फॉर्मूला उठाया और मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर दिया EPS, जिसमें मैंने को को क्या क्या नाम नाम दे दे दिया? दिया? So और सिलेबस में हमारे वो क्वेश्चन ही ऐसा फेंकेंगे कि शायद वो नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं देंगे आपको सीधे बताएंगे कि कंपनी का टोटल अर्निंग इतना है तो जैसे आप जैसे आप यहां पर तो टोटल अर्निंग पर जैसी आप पी रेशो अप्लाई कर देंगे तो वो भी तो मार्केट कैप ही बन जाएगा कि इतनी कमाई का इतना गुना दाम पूरी जनता पे करने को तैयार है ये रही टोटल कमाई हजार करोड़ और उसका कितना गुना दाम सपोज टेन टाइम्स प्राइस पे करने को तैयार है तो मार्केट कैपिटलाइज मार्केट प्राइस नहीं निकलेगा अब सीधे क्या निकलेगा मार्केट कैप निकलेगा इज दैट क्लियर ठीक है तो ये एक और दोस्तों फॉर्मूला होता है मार्केट कैप का आपको समझ में आ गया है फॉर्मूला एग्जाम्पल दूस इसके लिए नंबर सहित आप बोल रहे हैं हाँ ले लो एग्जांपल एग्जाम्पल क्या है दो मिनट में यहाँ पर साइड में लिख लेते ना एग्जाम्पल ओके okay. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर का प्राइस चल रहा है सपोज करें टू थाउजेंड है ना राउंड नंबर ले रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स सपोज करो अरे रिलायंस की कमाई आपको पता है कितनी है साठ हज़ार करोड़ रुपए कमाता है रिलायंस एक साल के सिक्सटी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ पर ईयर उनकी इनकम है अंबानी जी की पंद्रह हज़ार करोड़ रुपए हर क्वार्टर में उनका प्रॉफिट है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज सिक्सटी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की उनकी अर्निंग्स हैं सोचो ना सिक्सटी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की अर्निंग्स हैं मल्टीप्लाई बाय है बीस पच्चीस गुना के आसपास उनका पी रेशो है सिक्सटी थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फाइव 15 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप जस्टिफाइड लग रहा है नंबर तो इनका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है सपोज करो 50000 करोड़ और लेट अस मेक एन अजम्पशन कि रिलायंस के नंबर ऑफ शेयर्स में एक डमी नंबर ले रहा हूं इससे थोड़े से कम है उनके शेयर्स हजार करोड़ शेयर्स उनके आउटस्टैंडिंग है राइट हम्म इस इंफॉर्मेशन से निकल जाएगा ना मार्केट कैप हाँ ऊपर वाले फार्मूला से निकल जाएगा मार्केट कैप यस ऊपर वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा मार्केट कैप इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ़ शेयर्स यानी कि टू थाउजेंड रुपीज का प्राइस और कितने वन थाउजेंड करोड़ शेयर्स हैं कितना बीस लाख करोड़ राइट ट्वेंटी लाख करोड़ और सेकंड वाले फॉर्मूला के लिए हमें एक तो ई एस चाहिए वो तो है ही सही दूसरा क्या चाहिए पी रेशो वी कैन इजीली कैलकुलेट पी रेशो सो पीई रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन क्या था ईपीएस मार्केट प्राइस है टू थाउजेंड है ना मार्केट प्राइस टू थाउजेंड है अपॉन क्या चाहिए हमें ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर कितना आता है अर्निंग्स पर शेयर दिस, तो कितना आता है अलग लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन क्योंकि शायद आप पहली बैच में कैलकुलेटर नहीं लाते हो तो फोर्टी टाइम्स आता है दोस्तों हमारा पी रेशो निकल जाएगा आंसर सेम आना चाहिए आंसर मार्केट कैप इजिकल टू फॉर्मूला क्या बोला था मैंने यानी कि फोर्टी टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टी थाउजेंड करोड़ दैट क्लियर वो तो मैंने आपको डेरिवेशन ही बता दिया ना आंसर तो सेम आना ही था इज दैट क्लियर इसको कैसे सोचना ये अर्निंग है टोटल अर्निंग है और उसका इतना गुना दाम दुनिया देने को तैयार तो है तो कंपनी का ओवरऑल दाम आखिर क्या है? चलिए दोस्तों ये हमने पर कुछ बेसिक हैं। अब हम हमारे next lecture से चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे हमारा सबसे पहला हम पढ़ेंगे Mergers, Acquisitions and Restructuring. वो जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था वो इंट्रोडक्शन समझाने की सीक्वेंस अलग थी बट जो करने के सीक्वेंस है वो अलग रहेगी सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे मर्जर्स एक्विजीशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग आज के लिए बस इतना ही आज थोड़ी छोटी क्लास